गोली चलाई गई है। ये परेशान करने वाली तस्वीरें ने ओडिशा के सेहत मंत्री नाभा दास को गोली मारी गई है। इस वेले की बहुत वड्डी खबर है, ओडिशा के सेहत मंत्री ते जानलेवा हमला होया है। हस्पताल दे विच उन्हां नूं भर्ती करवाया गया, छाती च गोली लगी है। एक समागम दे विच शामिल होण दे लई ब्रजराज नगर पहुंचे सी, जिस वेले ओह कार दे विच उतरे ने उन्हां नूं गोली मार दित्ती गई है, छाती च गोली लगी है। तस्वीरां परेशान करन वालियां ने, ओडिशा दे सेहत मंत्री ते गोली चलाई गई है, उन्हां दी छाती च गोली लगी है ते इस वेले हस्पताल दे विच भर्ती ने। ब्रजराज नगर दे विच एक समागम दे विच शामिल होने लई ओडिशा दे सेहत मंत्री पहुंचे सी, जिस वेले एक अणपछाते बदमाश दे वल्लों उन्हां ते गोली चलाई गई है, उन्हां दे छाती ते गोली लगी है। तस्वीरां परेशान कर सकदियां ने। ब्रजराज नगर दे विच एक समागम दे विच शामिल होने दे लई सेहत मंत्री पहुंचे सी, जद उन्हां दे गोली चलाई गई है। ओडिशा दे हेल्थ मिनिस्टर ने, सेहत मंत्री ने नाभा दास जिन्हां ते गोली चलाई गई है, हुण तक दी जो जानकारी है, जख्मी हालत विच उन्हां नूं हस्पताल च भर्ती करवाया गया है। युद्ध की है और उसके बावजूद हजारों में लोग आए हैं, महिलाएं, युवा, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग आए हैं, आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन च मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदल के दूसरा नाम रख दिया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिता। इस तो पहला सरकार ने दिल्ली च मुगल शासकों के नाम से बनिया सड़कों का भी नाम बदल दिता सी। औरंगजेब रोड का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम रोड कर दिता सी। इस साल 31 जनवरी तो 26 मार्च तक जनता दे लई अमृत उद्यान खुला रहेगा। उस तो बाद 28 मार्च नूं सिर्फ किसानां दे लई ते 29 मार्च नूं दिव्यांगां दे लई इस नूं खोलिया जाएगा। 30 मार्च नूं पुलिस, सुरक्षा बल ते सेना दे परिवारां दे लई गार्डन खुला रहेगा। इस दौरान विजिटर इत्थे मौजूद खूबसूरत फुलां दा आनंद लै सकणगे। अमृत उद्यान च 12 तरह दे खूबसूरत ट्यूलिप दे फुल ने। गार्डन जल्द ही आम लोगों के लिए भी खुलन वाला है। इस गार्डन नूं कई तरह के खूबसूरत फुलों के पौद्या नाल सजाया गया है। इन्हां च ट्यूलिप ते गुलाब के फुल सब तो ज्यादा लोगों के आकर्षण का केंद्र होंदे ने। अमृत उद्यान च उन्हां लोगों नूं जाण दी इजाजत होएगी जो लोग ऑनलाइन एडवांस बुकिंग के जरिए पास लैके आउणगे। सुरक्षा कारणों के चलते एहतियात के तौर पर वॉक इन एंट्री की सहूलत नहीं होएगी। पिछले साल भी वॉक इन एंट्री की सहूलत नहीं सी, उदों भी एडवांस ऑनलाइन बुकिंग करने वालों नूं ही गार्डन च जान दी इजाजत दिती गई सी। गार्डन सवेरे 10 बजे तो लैके शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान च जान दे लई सुबह 10 बजे तो लैके 12 बजे तक 7500 लोगों के लिए टिकट जारी किए जाएंगे ते इस तो बाद 12 तो शाम 4 बजे तक गार्डन च जान दे लई एक बार फिर तो 10000 लोगों नूं पास जारी किए जाएंगे। खबर बिलासपुर तो है। बिलासपुर च JP नड्डा के छोटे बेटे हरीश के ब्याह समागम के विच कई दिग्गज आगू पहुंचे। राज्यपाल विश्वनाथ हरलेकर, CM सुखविंदर सुखू, डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ते साबका CM जयराम ठाकुर समेत करीब 2800 मेहमान पहुंचे ते सारिया ने नवी ब्याई जोड़ी नूं आशीर्वाद दिता। अरे नड्डा जी हमारे यूनिवर्सिटी टाइम से सीनियर हैं, मित्र हैं, तो उनके बेटे की आज शादी थी और हिमाचल का संस्कृति ऐसे कि जो शादी विवाह होता है सभी दलों का समावेश भी यहाँ हो जाता है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। प्रोग्राम दे विच हिमाचली संस्कृति ते लोक नाचा नाल मेहमाना दा स्वागत किया गया। एक अच्छा उत्सव है, आज के बेटे की शादी होगी, दोनों बेटों की शादी होगी, तो हमारी ओर से शुभकामनाएं। नड्डा के छोटे बेटे हरीश नड्डा जयपुर तो अपनी पत्नी रिद्धि नु लेके शुक्रवार नु बिलासपुर पहुंच गए सी। BJP दे कौमी प्रधान JP नड्डा दे बेटे हरीश दी 25 जनवरी नु जयपुर च शादी हुई सी ते उना दी शादी जयपुर दे होटल व्यापारी रमाकांत शर्मा दी बेटी रिद्धि दे नाल हुई है।
जी ट्वेंटी के लिए विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए चंडीगढ़ नूं पूरी तरह सजाया गया है। एयरपोर्ट तो शहर की एंट्री ते उस तो अगे दे रस्ते ते सजावट की गई है। रस्ते च पैण वाले कई पॉइंट्स ते जी ट्वेंटी देशां दे झंडे लाए गए ने। जी ट्वेंटी देशां दी इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ते मीटिंग 30 ते 31 जनवरी नूं चंडीगढ़ दे होटल ललित च होएगी। बकायदा तौर ते डेलीगेट जिहड़े ने ओह पहुंचने शुरू हो चुके ने। 170 डेलीगेट चंडीगढ़ दे विच पहुंचणगे, जिन्हां नूं जिथे मीटिंग होएगी उत्थे ही जी ट्वेंटी समिट की जिहड़ी थीम रखी है, एक धरती एक परिवार एक भविख, यह जी ट्वेंटी की थीम है। और भारत दे विच क्योंकि जी ट्वेंटी सम्मेलन होने जा रहा है और हर साल वख वख मुल्कां दे विच यह जी ट्वेंटी सम्मेलन जिहड़ा उह करवाया जांदा, और इस बार भारत दे विच जी ट्वेंटी सम्मेलन हो रहा और सब तो पहला चंडीगढ़ दे विच मीटिंग होने जा रही है 30 ते 31 तरीक नूं। चंडीगढ़ प्रशासन ते नगर निगम ने शहर की ब्यूटीफिकेशन ते सजावट ते लगभग 30 लाख रुपए खर्च किए ने। शहर के सैक्टर 29 के ट्रिब्यून चौंक नूं फॉरन फ्लैग्स के नाल सजाया गया। चंडीगढ़ च जी ट्वेंटी की मीटिंग नूं लैके 170 के लगभग डेलीगेट्स शहर च पहुंचणगे, जिन्हां च फॉरन डेलीगेट्स भी शामिल होणगे। इन्हां नूं शहर के 5-स्टार होटल्स ठहराउण का प्रबंध किया गया, जिन्हां च होटल ललित, होटल हयात, JW मैरियट शामिल ने। प्रशासन ने इन्हां VIP गैसट नूं लियाउण ते छड्डण दे लई 72 SUV हायर के प्रायोजक कैनेडा दे PR लई अप्लाई करो बिना IELTS दे। हाई सक्सेस रेट, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, द येलो ली। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक कैनेडा दे PR लई अप्लाई करो बिना IELTS दे। हाई सक्सेस रेट, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, द येलो ली। छाती गोली लगी है। ASI ने सर्विस रिवॉल्वर जो हमलावर है वह पुलिस की वर्दी के मौजूद सी, इस करके जिक्र हो रहा है कि ASI ने सर्विस रिवॉल्वर ये गोली मारी है। हालांकि हमलावर कौन है उसकी पहचान होगी, फिलहाल ये बड़ी खबर है। तस्वीरों के नाल तुहानू दिखा रहे हैं किस तरीके दे नाल ये गोली मारी गई कार तो, जिस वेले हेठा उतर रहे सन सेहत मंत्री ओडिशा दे, तो उस वेले एकदम तो हमला किया गया, उस वेले ये गोलियां मारिया गई। 4 तो 5 गोलियां मारिया गई ने। ब्रज राजनगर है जिथे अणपछाते ने गोली मारी है। समागम दे विच शामिल होने दे लई जा रहे सन, कार तो बाहर निकल गई, जिवें ही उन्होंने कार तो पैर बाहर रखे तो मौके से ये गोलियां वरा दी गई। एक बड़ी खबर है, एक बड़ा हमला है जो ओडिशा के सेहत मंत्री से किया गया। हालांकि सेहत मंत्री ने मंत्री अहदे पर ने, जो विधायक भी होंगे ने, तभी उन्होंने को सुरक्षा मौजूद होंगी है, सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होंगे ने। तो स्वाभाविक तौर पर सेहत मंत्री ने तो फिर उन्होंने को सुरक्षा दस्ता होएगा और सिक्योरिटी जी है वो नाल ही मौजूद होएगी, पर फिर भी सिक्योरिटी चकमा दे के ये हमला किया गया। हालांकि फिलहाल जो मुढ़ली जानकारी है यही सामने आई है कि एक समागम के शिरकत करने पहुंचे सन, तो जिस मौके पर यह गोली मारी गई है और दोपहर की करीब इस वेले दस दई है कि 12:15 की घटना दसी जा रही है, 12:15 घटना हुई है, तो हूँ 1:30 है, यानी कि हूँ तो थोड़ी देर पहला का ही ये सारा घटनाक्रम है जो तो सारा कुछ वापरिया है। तस्वीरें तुम्हें दिखा रहे हैं। ASI ने कहा जा रहा है कि सर्विस रिवॉल्वर के नाल गोली मारी है, यानी कि पुलिस मुलाजम दसे जा रहा है, पुलिस की वर्दी के हमलावर मौजूद थी, पुलिस मुलाजम है या नहीं है इस लैके सारा अजे जो है जानकारी सामने आएगी, पर फिलहाल मुढ़ली जानकारी है कि वह ASI है और सर्विस रिवॉल्वर के नाल उसने अपनी गोली मारी। हालांकि यह सारा जांच का विषय, पर पहला यह अहम है कि इस वेले हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। सेहत मंत्री और ईशा दे उन्हां दी हालत गंभीर बनी हुई है। 4 तो 5 गोलियां छाती च लगियां ने। जो मौका सी वेख रहे हैं, जो इस वेले तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं स्क्रीन ते, तां जिस तरीके दे नाल उन्हां नू जख्मी हालत च गड्डी च पाया गया, तां इत्थों असीं अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हां दी हालत किन्नी ज्यादा गंभीर होएगी। सब तो पहल यह है कि उन्हां दी जान बचाई जाए, उस तों बाद बाकी सारा विषय है, बाकी सारी तफ्तीश का विषय है, पर पहला यह है कि जान बचाई जाए, क्योंकि 4 तो 5 गोलियां जेकर सीधियां छाती च वजियां ने तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। इतों समझा जा सकता सी अंदाजा
लगा सकते हैं। तो ब्रजराजनगर है, ब्रजराजनगर दे विच जो दोनों ते हमला होया है, फायरिंग की गई है, चार तो पांच गोलियां सामने तो मारिया गई ने। जिस वेले गड्डी चो उतर रहे थी, इस वेले दी अहम खबर तुहानू दस रहे हां, उड़ीसा दे विच एक घटनाक्रम वापरिया है, सवा कु 12 बजे दी घटना है, जदों सेहत मंत्री ते ही गोलियां चला दित्तियां गईयां ने। नाभा दास ने जिन्हां ते गोलियां चलाईयां गईयां ने, इस वेले दी वड्डी खबर दा जिक्र कर रहे हैं, तस्वीरां दे नाल तुहानू दिखा रहे हैं, जो जो जानकारी आ रही है वो सांझी कर रहे हैं, मुढ़ली जानकारी असीं दर्शकां दे नाल सांझी कर रहे हैं। जिस किस्म दे नाल सारी घटना वापरी है, जो ये तस्वीर भी सामने आई है, हालांकि सिर्फ अजे इन्नी ही तस्वीर जी है सामने आई, पर इन्ना जरूर है कि उन्होंने पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिता है। उत्थे हालात कि ना कि फिलहाल ठीक नहीं है, यानी कि लोगों के गुस्सा भी है कि किसने वालों गोलियां चला दी गई। हालांकि जेकर जिक्र किया जाए नाभा दास का, तो फिर दस दिए कि 2015 के खास तौर पर विवादा के भी रहे, 2004 पहली बार उन्होंने जो है वो कांग्रेस की टिकट से चोन लड़ी सी। खास तौर पर इस वेले तो यही अहम है कि इन्हों की जान बचाई जाए, क्योंकि मौजूदा उड़ीसा के इस सेहत मंत्री ने, उस तो बाद बाकी का सारा वेरवा जरा है जरूर साझा किया जाएगा। पुलिस के वालों भी जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार वो हमलावर कौन सी, उसके पिछे की वजह की है। जेकर इस वेले मौजूदा सेहत मंत्री उड़ीसा के जड़े सेहत मंत्री ने उन्होंने अटैक किया गया है, उन्होंने हमला किया गया, तो इसके पिछे की वड्डी वजह की है, सब तो पहला यह भी जानना होगा। पर पहला यह आम जानकारी है कि उन्होंने गोली मारी गई, फिलहाल वो गंभीर तौर पर जख्मी ने, चार तो पांच गोलियां छाती दे विच सिद्धियां लगियां ने। तस्वीर भी असीं देख रहे हैं जो मौजूदा सामने आई है कि काफ़ी गंभीर हालत दे विच सी, जिस वेले उन्होंने बहुत मशक्कत दे नाल, दो तो तीन लोग ने जिहड़े बिल्कुल नाल ने, एक ड्राइवर नजर आ रहा है जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, उसकी वह मदद कर रहा है, तो बाकी होर लोग ने जिहड़े कि मशक्कत दे नाल गड्डी दे विच उन्होंने पा रहे हैं, ताकि फटाफट एमरजेंसी ले जाया जाए, एमरजेंसी ताकि ले जाया जाए और उत्थे फौरन तौर पर उन्होंने इलाज दिता जा सके, जान बचाई जाए। पर यह हमला होया है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई हादसा नहीं वापरिया है, यह हमला किया गया ASI की वर्दी के हमलावर से कहा जा रहा है कि पुलिस मुलाजम है, उसने सर्विस रिवॉल्वर के गोली मारी है, तो सारिया फिलहाल मुढ़ली जानकारी इस पुख्ता सी, अजे फिलहाल नहीं कह सकते, पर इन्ना पुख्ता जरूर है कि गोलियां वजियां ने, इन्ना जरूर है कि चार तो पांच छाती च गोलियां लगियां ने, और यह भी है कि गंभीर तौर पर इस वेले हालत बनी हुई है। तो लगातार ये तस्वीरों के नाल तुहानू जानकारी दिखा रहे, सवा कु 12 बजे की घटना है, समागम के पहुंचे सन सेहत मंत्री, क्योंकि मंत्री होने के नाते वक्खो वक्ख कार्यक्रम के प्रोग्राम के जाना पैंदा है मंत्रियों को, तो उसे दे चलते कह सकते कि एक प्रोग्राम होएगा, हालांकि उड़ीसा का सारा घटनाक्रम है, तो उस संदर्भ के उन्होंने पार्टी के लोग बहुत बेहतर दस सकते हैं कि आखिरकार सारा कुछ की होया है, या फिर कौन है, किसी के नाल कोई रंजिश होएगी, या फिर सेहत मंत्री ने एक बड़े अहदे से तैनात ने, तो की हो सकता है, तो बहुत वड्डा मसला है, सारे अजे सवाल ने। इस तरह अगे बढ़ते हैं, तो दिल्ली पुलिस के सूत्रों तो एक होर वड्डी खबर आ रही है, दिल्ली के खालिस्तान के नारे लिखण वाले काबू किए गए हैं, सूत्रों के मुताबिक इस वेले की वड्डी खबर है, दिल्ली पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है, विकासपुरी जनकपुरी पछम विहार के दस दिए कि नारे लिखे गए थे, हालांकि कुछ दिन पहला दिल्ली के कई इलाकों के नारे लिखे गए थे, तो तस्वीर भी तुम्हें दिखा रहे इस मौके दी, जो प्रशासन ने आके इन्हों नारियां नूं मिटा दिता सी, तां 2020 रेफरेंडम का जिक्र है इन्हों नारियां दे विच जो लिखे गए ने, खालिस्तान जिंदाबाद लिखा गया है, और अमूमन तौर पर पंजाब दे विच तां सी रोजाना दे वांग कह सकते हैं कि खबर आउंदियां ने कि जो इस तरीके दे नाल सरकारी इमारतों और आम भी इमारतों से जिहड़े नारे ने कंधा से लिखे हुंदे ने, तां दिल्ली दे विच जिहड़े जिन्हां ने नारे लिखे खालिस्तान दे, तां उन्हां नूं हिरासत च लिया गया, दो लोग जिहड़े ने हिरासत च लए गए ने, खालिस्तान दे नारे लिखण वाले लोगों नूं काबू कर लिया गया। अगे वधांगे तां खबर फिरोजपुर तो है, और फिरोजपुर दे विच पुलिस मुलाजम ने खौफनाक कदम चुकिया है, महिला कॉन्सटेबल का कतल कर दिता और बाद दे विच खुद नूं भी गोली मार ली, खुद भी खुदकुशी कर ली, कॉन्सटेबल अमनदीप कौर नूं दस दिए कि पांच गोलियां मारिया गई सन, कॉन्सटेबल गुरसेवक है जिसे कार मार के पहला अमनदीप कौर की स्कूटी सुट दी, फिर सरकारी असले के नाल ताबड़तोड़ पांच राउंड फायर किए, गुरसेवक ने बाद दे विच खुद नूं भी गोली मार ली है, दस दिए कि कॉन्सटेबल अमनदीप है, अमनदीप कौर जो थाना फिरोजपुर कैंट के तैनात सी, असी तस्वीर भी दिखा रहे हैं, पुरानी तस्वीर ने इन्होंने दोवों दियाँ
ਮਨਦੀਪ ਦੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਮਨਦੀਪ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੁਰਸੇਵਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਦੀ ਸਕੂਟੀ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਫਿਰ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਪੜ ਤੋੜ। ਵਾਰਦਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ ਭੱਜ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਸੇਵਕ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਸੇਵਕ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੀਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀ ਕੈਂਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 12 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 6-7 ਵਜੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੱਲਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਾਡੇ ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ ਤਨਾਤ ਸੀ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜ ਤਨਾਤ ਸੀ। ਇਹ ਛੂਛਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ ਲੜਕੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਮਾਰਨ ਕੇ ਸਿਆਲ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਲੜਕੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਕੋਲ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਸਰ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦੀ ਮੋਗੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਆ, ਘਰ ਆਇਆ 7:15 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਵੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਸਾਗ ਬਣਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਰੈਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ 12:15 ਵਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਮੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਗੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ। ਜੋ ਮੋਗੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਗੇ ਮਗਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੁੜੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ? ਉਹ ਕੈਂਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਆਪਸ 'ਚ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਣਾ ਨਾ ਵਰਤਦਾ, ਅਤੇ ਭਾਣਾ ਦਾ ਦੋ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਵਰਤਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਮਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਹੈ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਵੈਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮੋਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਔਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਕੁਛ ਕਹਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਹੈ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਮੋਗਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਛਾਵਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਗਰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀਗਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਔਰ ਕਰੀਬ 9 ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਿਊ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ?
2014 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਜੀ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਔਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਰੋਡ ਡੈਡਿਡ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਰ ਸੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਔਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕਿ ਉਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਜਨਮੇਜੋ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਜਾਈ ਘੋਟਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਰਿਟਾਇਰਡ 3 IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਦੋ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 3 ਪਦਵੀ ਨੂੰ KBS ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿੰਜਾਈ ਘੋਟਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ 1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਘੋਟਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਪਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 50 ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਵੀ ਕਪਲੇ ਦੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਪਲਾ ਹੈ 1,000 ਕਰੋੜ ਹੈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏ ਸਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਅਮਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਸਿੰਜਾਈ ਘੋਟਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ IAS ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ KBS ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ 3 IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਨਮੇਜਾ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਔਰ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ KBS ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਅਮਨ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕਿਸੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ KD ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ KD ਭੰਡਾਰੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ MLA ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ
अज वो टॉर्चर के थले उन्होंने अपने सुसाइड नोट के भी किया कि इन्होंने सारिया ने मेरा कतल एंड इन्नी नमोशी मैं ये कह रहा पै रहा कि बड़े साल तो साडा परिवार एंड एक बड़ा ही होनहार परिवार के जिन्होंने 9 साल की उम्र के काम करना शुरू किया अपने सारे परिवार को उन्होंने स्टैबलिश किया। रेवाड़ी दे विच भयानक सड़की हादसा वापर है। दो कारां दी आमो सामने जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसे च 3 जणियां दी मौत हो गई है। 5 जणे गंभीर तौर से जख्मी ने। जख्मियां दे विच 2 बच्चे भी शामिल ने। बच्चियां नूं ट्रॉमा सेंटर च भर्ती करा दिता गया है। केस कोसली कनीना रोड से गुजरी बास टोल के नेड़े की यह सारी घटना है और तस्वीरां भी सामने आई ने। किस किस्म के नाल गड्डियां पूरी तरह के नाल नुकसानियां गई ने। हादसे च 3 लोग मारे गए। जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे एक सामने से गाड़ी आई स्विफ्ट डिजायर, तो हमारे वाले ड्राइवर ने सोचा कि मैं इसकी साइड से निकाल लूँ। जैसे उसने उसकी साइड थोड़ी सी ली, तुरंत उस ड्राइवर ने अपनी साइड 5-6 बंदे थे, 1-2 बच्चे थे छोटे मोटे, 2 एक्सपायर हो चुके हैं सर और बाकी सभी। उधर पठानकोट के चाइना डोर का कहर वेखण नूं मिलिया। डोर की लपेट के एक शख्स आया है। शख्स के गल से 15 टांके लगे ने, हाथ से भी कट लगे ने। कठुआ तो दवाई लैन के लिए पठानकोट आया था यह शख्स, पर हादसे का शिकार हो गया। स्थानक लोगों ने पीड़ित को हस्पताल पहुंचाया समा रहिंदे और इसकी जान बचाई है। तब बेहद ही गंभीर हादसा भी यह हो सकता सी, जान भी जा सकती सी जेकर मौके पर हस्पताल इस शख्स को ना पहुंचाया जाता। माधोपुर स्टेशन के पास पंप के पास जहाँ से जैसे स्कूटी चला रहा था तो रोड सामने से आ गई, सामने गिरी हुई थी रोड गट्टू, तो जो कि गले से मतलब फंस गई। और दूसरी साइड रॉन्ग साइड से ट्रक आ रहा था, उसने मतलब डोर उसके साथ फंस गई और स्लिप होके मेरे गले से पूरी मतलब निकल के चली गई। तो उसके कारण मतलब कि बहुत सारे स्टिचेज लगे हैं और वहाँ के लोगों ने काफ़ी हेल्प की और एमरजेंसी में लिया जाएगा मुझे यहाँ पर टाइम पर ट्रीटमेंट की वजह से। अभी मैं सही सलामत हूँ यहाँ पे। वाकई ही बहुत ज़्यादा माड़ी है। सिर्फ ये अपने असी 40-50-60-70-80 जो गट्टू फड़ ले हैं तो ये साड़ी कोई प्राप्ति नहीं हैगी। प्राप्ति इस चीज़ की है कि हर घर के अपना माँ प्यो इस चीज़ को गरंटी करे कि मेरा बच्चा जे पतंग उड़ाएगा तो वह चाइना डोर नाल नहीं उड़ाएगा। उधर फाजिलका दे विच माइनिंग विभाग के मुलाजम से हमला होया। बाइक सवार ते नौजवानों ने हमला किया है। कुटमार दे करन दे मगरों तेज धार हथियारों के हमला किया गया। रौला पाउण ते दसी कि आसपास के लोगों ने बचाया, हस्पताल दे विच उसनूं दाखिल कराया। हरमनप्रीत है इस शख्स का नाम जिसकी हालत काफ़ी गंभीर है। फरार मुलजमान की भाल की जा रही है। पता नहीं कौन लोग से, मैं अनजान ही वैसे, मैं कोई नहीं जानना। उन्होंने 3 जने से हो, एक सरदार सीगा, 2 मोने से जी, उन्होंने को बाइक से स्पलेंडर, तो जिमें उन्होंने मेरे मारी मोए अज एक्टिव सट के भज पिया ढानी वाले पास। अरे बचत करने वास्ते मैं हथ अगे किया जी, उन्होंने मेरे हथ से घंटासी मारी, सिर पर मारी है जी, ये बाई जी भज के। माइनिंग विभाग के मुलाजम ने जिस पर हमला किया गया, उन्होंने कहना है कि मैं नहीं जानता कौन लोग सन जिन्होंने ये हमला किया है, पर जरूर इन्ना कहा है कि बहुत ही बुरे तरीके से जानलेवा हमला किया गया। उधर हरियाणा के नानौ के सरपंचों ने बड़ा प्रदर्शन किया। पिंड भैणी अमीरपुर है जिथे सड़क जाम कर दी गई। मंगा नूं लैके सरपंच एसोसीएशन का प्रदर्शन है। ई टेंडरिंग का विरोध किया जा रहा है। उधर सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस ने पंजाब के एक सरकारी स्कूल की वीडियो शेयर करदे लिखा है कि सीखना खेडना ते कसरत करना सब कुछ इकट्ठा। दरअसल सिक्ख्या मंत्री दे वलों शेयर की वीडियो दे विच स्कूल का एक छोटा बच्चा अध्यापकों द्वारा बनाए गए साइना
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਖੇਡ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਸਰਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਜੋਤ ਮੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਫੀਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵਧੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੇਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਤਲਬ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ, ਹਾਈ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ ਦਾ ਯੈਲੋ ਲੀ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक कैनेडा दे पीआर लई अप्लाई करो बिना आयल्स दे, हाई सक्सेस रेट, गवर्नमेंट अप्रूव्ड द येलो ली। प्रशासन ने ना मेहमानों ते लगभग 4 करोड़ दा बजट रखया है। एक बड़ी खबर, पंजाब सरकार ने एक फैसला लिया है धरती हेठले पानी दी सबाल नू लेके। धरती हेठले पानी दी सबाल नू लेके सरकार दा वड्डा फैसला है और नवीं हदायतां दा एक नोटिफिकेशन सरकार वालों जारी किया गया है। धरती हेठले पानी दे संभाल दे लई सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए ने कि धरती हेठला पानी कढ़न ते हुण मीटर लगेगा और मीटर दी रीडिंग दे मुताबक हुण बिल आया करेगा। 3 जोन दे विच पंजाब नूं वंडिया गया है, ग्रीन, येलो ते ओरेंज जोन। 300 क्यूबिक मीटर प्रति महीना पानी कढ़न दी छूट होएगी। 300 क्यूबिक मीटर प्रति महीना पानी कढ़िया जा सकेगा, यानी उसते कोई बिल नहीं आएगा। 300 ਤੋਂ 1500 ਕਿਊਬਿਕ ਤੱਕ ਜੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ 4 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। 1500 ਤੋਂ 15000 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ 6 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਕਜ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਵੀਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ
ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, 6-6, 8-8 ਘੰਟੇ, 10-10 ਘੰਟੇ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੈ, ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ, ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਛੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪੰਕਜ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 300 ਕਿਊਬਿਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੋਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੋ ਸੰਧੂ। ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਵੇਖਾਂਗੇ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਤਾਂ ਖਬਰ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ASI ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਇਹੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਭਾ ਦਾਸ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਤ੍ਰਿਵਿਕਰਮ ਪ੍ਰਾਧਨ, ਕਿਆ ਕੁਛ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਘਟਨਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹੋਈ।
देखिए ओडिशा का हेल्थ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर है नवकिशोर दास, वो आज उनका जो निर्वाचन क्षेत्र झारसुगुड़ा से ब्रजान नगर क्षेत्र को जा रहे थे, एक ऑफिस का उनका उद्घाटन करना था, एक उद्घाटन का कार्यक्रम में उनका योगदान था, प्रीशेड्यूल था पहले से, और जैसे ही ब्रजराज नगर का गांधी चौक में पहुंचे वहाँ उनका सब जो समर्थक जो थे वहाँ भीड़ हुआ था और वो उस गाड़ी से निकले, जब वो गाड़ी से निकले एक पुलिस कर्मी ने जो पुलिस का ड्रेस भी पहना था उनका ऊपर अंधाधुंध गोली चालना किया, उनका ऊपर फायरिंग किया, दो गोली उनका सीने पे लगा है और जो अभी तक जानकारी है उनको नवदास जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है, अभी उनको झारसुगुड़ा वीर सुरेंद्र साय एयरपोर्ट है झारसुगुड़ा एयरपोर्ट से उनको अभी एयरलिफ्ट किया जा रहा है, हालांकि अभी तक पता नहीं चल रहा है क्यों फायरिंग किया है, पुलिस कर्मी ने वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है जो गोपाल दास है जिनका नाम जिनको पुलिस ने दबोच लिया है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है क्यों ऐसा हुआ, ऐसे एक घटना कैसे घटा, क्योंकि नवकिशोर दास जो है वो बार बार जीते हैं झारसुगुड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है झारसुगुड़ा का विधायक बने, अभी कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, कैबिनेट का स्वास्थ्य विभाग उनका अधीन में है, स्वास्थ्य का हेल्थ का मिनिस्टर है, तो ऐसे एक व्यक्तित्व को कैसे भारी सभा में मतलब बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है विक्रम, फिलहाल की ये जानकारी आपसे चाहेंगे इनकी हालत कैसी है, सबसे बड़ा सवाल अभी ये क्योंकि गोलियां मारी गई है, मौके पर क्या कुछ स्थिति थी, गंभीर है बहुत ज्यादा, अभी की स्थिति क्या कुछ है? देखिए अभी की स्थिति जो है उनका अवस्था स्वास्थ्य अवस्था स्थिर है, लेकिन अभी उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहाँ से पहले उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन उसको उनको अच्छी ट्रीटमेंट के लिए बड़े इंस्टीट्यूट को बड़े हेल्थ इंस्टीट्यूट को उनको अभी शिफ्ट किया जा रहा है, उनको इसीलिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है, झारसुगुड़ा एयरपोर्ट है, झारसुगुड़ा एयरपोर्ट वो पहुंच चुके हैं, झारसुगुड़ा एयरपोर्ट से उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है, इसके साथ ओडिशा गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने एक उनका क्राइम ब्रांच इंक्वायरी का भी डिक्लेयर किया है, क्राइम ब्रांच इनका इंक्वायरी करेगा क्यों ऐसा हुआ, ऐसे स्थिति कैसा रहा, क्योंकि नवकिशोर दास एक कैबिनेट मिनिस्टर है वो बार बार जीते थे, वो उसी एरिया में उनका अच्छा पकड़ है, ऐसे एक व्यक्ति को कैसे भरे दिन दहाड़े उनके लोगों के सामने उनका समर्थक के सामने एक पुलिस वाला ने फिर फायरिंग किया है, इसको मतलब ये बहुत गंभीर विषय है, इसलिए सारे राज्य में यही बड़ा सवाल है त्रिविक्रम, क्योंकि कुछ अभी जानकारी अगर प्रॉपर की बात की जाए तो पूरी पुख्ता तो नहीं आ पा रही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ASI थे वो सर्विस रिवॉल्वर से उसने ये हमला किया है, और कुछ ये जानकारी है कि कई भेस बदला हुआ था, पुलिस की वर्दी डाली हुई थी, पुख्ता जानकारी क्या है त्रिविक्रम? मैं अभी तक जो पुलिस की तरफ से कहा गया है जो गोपाल दास है जो जिन्होंने फायरिंग किया है वो पुलिस ASI है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, वो ब्रजराज नगर पुलिस लिमिट का एक गांधी चौक आउटपोस्ट है जो जिसको बीट हाउस कहा जाता है, आउटपोस्ट है पुलिस आउटपोस्ट, वहाँ तैनात थे और जिस एरिया में मिनिस्टर गए थे कैबिनेट मिनिस्टर नवकिशोर दास गए थे वहाँ एक ऑफिस का इनॉग्रेशन था उसी एरिया में वो तैनात था, वो जैसे गाड़ी से निकला उनका जो जयकारा लग रहा था नवदास जिंदाबाद का, देखिए आप जो आवाज आ रहा है उसी समय में वो गाड़ी से निकले, उनको फूल माला भी चढ़ा, मतलब उनको हाँ, वो लाइव तस्वीर है ना त्रिविक्रम, वो लाइव तस्वीर है हाँ, तो, हाँ, तो उसी समय में वो अंधाधुंध गोली चालना किया है, फायरिंग किया है और दो गोली लगा है, अभी तक जितना जानकारी है दो गोली लगा है उनका सीने में, उनको तुरंत ही उसी गाड़ी में हॉस्पिटल लाया गया और प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद अभी वीर सुरेंद्र साय एयरपोर्ट है झारसुगुड़ा में, वो एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट करने के लिए प्रबंध है, अभी उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है, उनको मतलब जैसे अच्छे ट्रीटमेंट मिल सके, और क्या है मतलब अभी हेल्थ बुलेटिन नहीं आने से तो अभी तक पता नहीं चलेगा कितना इंजुरी है क्या है, लेकिन दो गोली अभी तक मिला है, दो गोली लगा है जब इंफॉर्मेशन मिला है, और उसके ऊपर पुलिस का जो क्राइम ब्रांच का इंक्वायरी किए हैं उनको पुलिस ओडिशा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि क्राइम ब्रांच इंक्वायरी करेगा, तो उसके बिल्कुल होनी भी चाहिए त्रिविक्रम, फिलहाल की क्या कुछ तस्वीर है वहां पे आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि स्टेट में तो हाहाकार मची होगी स्वाभाविक तौर पर, जिस तरह से ये इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, गोलियां चला दी गई, क्या कुछ मौका था, सिक्योरिटी कहाँ पे थी मौजूद, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, मंत्री है, एक बड़ा ओहदा है तो उनके पास स्वाभाविक तौर पर बहुत सारे गार्ड्स होंगे।
हाँ, इनका सिक्योरिटी उनका पास में रहते हैं, उनका खुद का भी सिक्योरिटी है, और उसी समय में क्योंकि कोई भी मंत्री जाने से एक सिक्योरिटी का अलग व्यवस्था होता है, क्योंकि वो फिर कैबिनेट मिनिस्टर है और जाने माने चेहरा है, सारे राज्य में उनको पता है, उनको सारे राज्य में जानते हैं, और वेस्टर्न ओडिशा में तो उनका कुछ अलग मतलब, इतना बार बार जीते हुए, और उनका जो क्षेत्र है झारसुगुड़ा में भी वो बार बार जीते थे, तो जीत रहे थे, इसलिए उनको अभी इस बार कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा भी मिला है। बीजू जनता दल जो सरकार है अभी राज्य में, उन्हीं का वो एक बड़े नेता है, कि बड़े नेता को ऐसे दिन दहाड़े गोली मार देना, और क्यों मारा गया, क्या है इसके पीछे राज, ये सब तो पता चलेगा जब इंक्वायरी होगा, लेकिन अभी जो जनरल पब्लिक है वो सब मतलब सोच रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ घटना, और थोड़ा उत्तेजना भी है सारे झारसुगुड़ा और ब्रजान नगर एरिया में, थोड़ा उत्तेजना भी बहुत है कि ऐसा एक घटना घटा जो कि विश्वास नहीं हो रहा है लोगों को अभी तक। अच्छा, क्या कोई थ्रेट्स इनको आते थे, क्या कोई धमकी दी थी, क्या कोई विवाद बहुत बड़े थे, क्योंकि आपको तो भली भांति ये जानकारी होगी, इस तरह से अचनचेत ये हमला हो जाना, इस तरह से हमलावर की तरफ से गोलियां चलानी, और खास तौर पर जब वो ASI है, आप बता रहे हैं कि पुलिस मुलाजम है, इसीलिए तो अभी वही प्रश्न का चिन्ह लगा रहा है कि पुलिस मुलाजिम है, पुलिस का अधिकारी भी है, पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, वो क्यों फायरिंग किया, उसके साथ क्या प्रॉब्लम था, और क्या अभी मतलब अभी तक तो जानकारी नहीं है, अगर कोई जनरल पब्लिक होता तो बात अलग है, क्या हुआ पॉलिटिकली कुछ होता या क्या है वो भी एक अलग पता चलता, लेकिन ये क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम है, वो भी पुलिस का मुलाजिम है, तो एक पुलिस का अधिकारी कैसे फायरिंग किया, क्यों किया, ये सब अभी तो इंक्वायरी होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पुलिस ने उनको दबोच लिया है, पकड़ रखा है, अभी भी उनको अरेस्ट किया गया है, और दो गोली जो फायरिंग हुआ है उसका जो खोखा है वो भी बरामद किया गया है, लेकिन अभी क्योंकि पहला प्राथमिकता है कि नवदास जी को अभी अच्छे ट्रीटमेंट के लिए बाहर लिया जाए, और वहाँ कैसे एयरलिफ्ट किया जाएगा, वहाँ उनको ट्रीटमेंट होगा, ये सब सोच रहे हैं कि वो उनका स्वास्थ्य का अवस्था कैसा है, ये जानने के लिए सब ज्यादा उत्सुकता है, ये क्योंकि वो फिर स्वास्थ्य मंत्री है, खुद स्वास्थ्य मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, तो इसलिए अभी जो कहीं भी आप जाए तो लोगों का साथ बातचीत ऐसा हो रहा है कि क्या होगा, क्या नहीं है, क्या क्यों ऐसा हुआ, ऐसी घटना कैसे घट गया, और फिर एक पुलिस अधिकारी ने कैसे फायरिंग किया, इस सब का पर जब क्राइम ब्रांच इंक्वायरी होगा उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी प्राथमिकता ये है कि नवदास जी को अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए, उनको ट्रीटमेंट अच्छा से हो, और उनका स्वास्थ्य अवस्था जानने के लिए सब उत्सुकता से है। ठीक है त्रिविक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, ओडिशा के सारे सहयोगी एयरलिफ्ट उन्होंने किया जा रहा है ताकि चंगे अस्पताल पहुंचा जाए और उन्होंने इलाज हो सके, और प्रदर्शन भी किया जा रहा है उन्होंने पार्टी के वालों, ये भी कुछ जानकारी आ रही है, पर फिलहाल जो मुझे जानकारी की तस्वीर तुम दिखा रहे हैं हेठले पास सज्जे हाथ जी तस्वीर है, ये लाइव तस्वीर है, और इस लाइव तस्वीर के लाइव गोली बज रही है, समझ थोड़ा जा इस तस्वीर कुछ सेकंड की एक क्लिप है, क्लिप है जिसके विच जिन्हें ही नवदास गड्डी तो उतर रहे ने उन्होंने माला पहनाइया जा रही ने, माला जिन्हें ने गल स्वागत नहीं पहनाइया जा रही ने, जिन्हें ही दो माला उन्होंने गल च पहनाइया जा रही ने, दो आसे पास उन्होंने समर्थक खड़े ने, तो फिर सामने तो गोली बज गई है, सामने तो ये गन शॉट हो रहा है, तो सीधे तौर पर इस लाइव वीडियो के लाइव जी गोली मारी गई है वो कैद हो गई है, ASI है गोपाल दास उसका नाम है जो मुलजम है जो हमलावर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, सवाल किए जा रहे हैं CBI तो मांग की जा रही है कि जांच होवे, पर ये लाइव तस्वीर तुम दिखा रहे हैं। जिन्हें गोली बाज भी एकदम तो हाहाकार मचा दी, एकदम तो अफरा दफरी, हालांकि कुछ सेकंड से लेता समझना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है समझना कि किवें एकदम तो यह फायर होया, तो एक पार्टी उन्हां दी पार्टी BJP उन्हां दी पार्टी के समर्थक ने नवदास जी जिन्हां दे वल्लों जिन्हां नूं इस वेले गोलियां मारिया गई, दो गोलियां उन्होंने छाते च लगिया ने, जो जानकारी साढ़े सहयोगी ने साढ़े तक पहुंचाई है, तो प्रदर्शन शुरू हो गया, पुलिस मुलाजम पुलिस सिक्योरिटी मौके पर मौजूद है, खास तौर पर सुरक्षा दस्ते जड़े ने पहुंच गए हैं ताकि माहौल शांत पूर्वक रखा जाए, हालांकि की रंजश सी, कि मामला है,
इस बारे कोई भी जानकारी अजे तक तो नहीं पहुंची है, पर इना जरूर है पुलिस मुलाजम और अधिकारी खास तौर ASI ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर के एक घटनाक्रम को अंजाम दिता, सीधी गोली मार दी। सेहत मंत्री ने ओडिशा के जिन्हें गोली मारी गई है और कई बार विधायक रहे तो इस बाद उन्होंने ये मंत्री का अहुदा दिता गया। अगे वधांगे तां उधर फिरोजपुर के भी एक अजिहा घटनाक्रम वापरिया। पुलिस मुलाजम ने खौफनाक कदम चुकिया, महिला कॉन्सटेबल का कतल कर दिता और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली, अपने आप भी गोली मार ली। कॉन्सटेबल अमनदीप कौर गोलियां मारिया गई, 5 गोलियां मारिया गई। इतने एक घटनाक्रम वापरिया है, महिला कॉन्सटेबल का कतल कर दिता और फिर अपने आप भी गोली मार ली गई है। कॉन्सटेबल गुस्सेवक है जिसने कार मार के पहला उसकी स्कूटी सीटी और फिर उससे गोलियां चलाईया, उस बाद खुद मोगा चला गया साले कोल और उस तो बाद उसने अपने आप भी गोली मार ली। ये भी दस दिए कि अमनदीप कौर थाना फिरोजपुर कैंट के तैनात से ड्यूटी खत्म करके घर जा रही थी और इस दौरान उसके नाल एक नाबालग बच्ची भी मौजूद थी। यह कहा जा रहा है कि उसकी ही बच्ची है। इस दौरान कॉन्सटेबल गुरसेवक अपनी गड्डी दे विच आया, उसने कार के नाल टक्कर मार के उसनू डेग दिता, कतल कर दिता। तो फिलहाल दस दईए कि गुरसेवक दस 7 साल पहला ब्याह होया सी, उसकी 5 साल की बच्ची और उसकी पत्नी गर्भवती है। और दूजे पासे जी अमनदीप कौर कॉन्सटेबल जिसका कतल होया तो उस अपने पति तो वख रह रही थी, उसका भी ब्याह होया हुआ। हूँ ये परिवारक मैंबर जोड़े ने उन्होंने बड़ा दुखों का पहाड़ टुटिया है। उन्होंने कहना है कि सानू नहीं जानकारी कि अजिहा क्यों किया गया। अगे वधांगे तां खबर नंबर 3 दा जिक्र करांगे। विजिलेंस दी रडार ते साबका मंत्री शरणजीत ढिल्लों ते जनमेजा सिंह सेखो उन्हां नूं मुड़ तलब कीता गया। कथित तौर ते सिंचाई घोटाला है, करीब 1000 करोड़ रुपए का एक कथित तौर ते सिंचाई घोटाला है, जिस मामले दे विच पुछगिछ दे लई बुलाया गया। रिटायर 3 IAS अधिकारी ने जिन्हां तलब किया गया, 1 फरवरी नूं अकाली आगू शरणजीत ढिल्लों तो पुछगिछ होएगी और 1 फरवरी नूं ही कान सिंह पन्नू ने अफसर ने रिटायर दिता, उन्होंने सवाल जवाब होंगे। जनमेजा सिंह सेखों 2 फरवरी नूं सद्या गया। ये दिखा रहे हैं तुहानू ग्राफिक के जरिए 1000 करोड़ रुपए का यह कथित तौर पर संजाई घोटाला है, जिस मामले के पुछगिछ होनी है, जिस 1 फरवरी और 2 फरवरी सद्या गया। गुरिंदर सिंह पापा जिहड़े ने मुख मुलजम ने लगातार तुहानू डिटेल दिखा रहे हैं कि आखिरकार यह सारा मामला की है। और दस दईए कि यह अकाली भाजपा सरकार के वेले का कथित तौर पर घोटाला है मामला, और जिसकी कैप्टन सरकार के वेले जो दर्ज होया सी उस तो बाद लगातार पुछगिछ की जा रही है। अगे वधांगे खबर नंबर 2 का जिक्र करांगे। राम रहीम दे नाल जुड़ी वड्डी खबर है, राम रहीम दे समागम का विरोध होया। बठिंडा दे विच राम रहीम दे समागम का विरोध होया। पिंड जलाल है जिथे कि सिख जथेबंदियां ने प्रदर्शन किया है। सलाबतपुरा डेरे नूं दस्सी कि जाण वाली सड़क से जाम लगाया गया है। राम रहीम दे वर्चुअल सत्संग का विरोध किया जा रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों हिरासत में लिया और सलाबतपुरा जा रहे अमृत सिंह अजनाला भी हिरासत में लिया गया। तो अजनाला थर्मल प्लांट के नेड़े रोक के हिरासत में लिया गया है। तो यह पहला ही कहा जा रहा है, जथेबंदियों ने ऐलान कर दिया कि असं विरोध करा, खुल के विरोध करा, यह डेरे के समागम नहीं होना चाहिए। सो तस्वीर तुम्हें दिखा रहे हैं, 2 तस्वीर ने राम रहीम के समागम का किस तरीके विरोध होया, और दूजी तस्वीर है अमरीक सिंह अजनाला जिस वेले हिरासत में लिया गया। अगे वधांगे तां 2 बजे की पहली वड्डी खबर का रुख करांगे। पंजाब दे विच रेलवे ट्रैक ते किसान बैठे हुए ने, शाम 4 बजे तक रेलों का चक्का जाम रहेगा। सफर से निकले लोगों नूं परेशानी हो रही है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है जथेबंदी जिन्हां दे वल्लों प्रदर्शन का ऐलान किया गया, प्रदर्शन किया जा रहा है, धरने दिते जा रहे हैं। 12 जिलों के दस दिए कि 14 थावां ते चक्का जाम किया गया। किसानों दीआं कई मंगां नूं लैके यह प्रदर्शन है, तो चक्का जाम किया गया और अहम मसला है कि लोग परेशान होंगे ने, क्योंकि उन्हां तक यह जानकारी कई तक नहीं होंगी कि इस किस्म के नाल रेलवे ट्रैक जाम किए जा रहे हैं। सीधा चलते मेरे सहयोगी मनदीप कुमार फिरोजपुर मौजूद ने और सुरेंद्र कंबोज जलंधर
सब तो पहला तुहाड़ा रुक करांगे मनदीप की कुछ जानकारी है और की कुछ इस वेले की तस्वीर है की लोगों नू पहला तो सूचित किया गया किस तरीके दे नाल रेलवे ट्रैक जाम होणगे मौजूदा स्थिति मनदीप तुहाड़े तक आवाज नहीं पहुंच रही तो वापस आने तुहाड़े कोल और सुरिंदर तुहाड़े तक आवाज पहुंच रही है जेकर जी जी मनदीप जी जी ठीक है जी गुरजोत जी गल करिए तो फिरोजपुर के भी अज किसानों वालों जोड़ा है रोस प्रदर्शन किया जा रहा है और फिरोजपुर चौनवी के टैंकों वाली बस्ती के कोल जोड़ा रेलवे ट्रैक जी जाम किया गया और जे हम ताज़ा तस्वीर की गल करिए रेलवे ट्रैक जाम करने तो बाद कई ट्रेनों जोड़ा रद्द कर दिया गया और कई ट्रेनों रेलवे स्टेशन से रोक दिया गया और जे ताज़ा स्थिति की गल करिए हूँ रेलवे विभाग वालों कई रेलवे ट्रेनों जोड़ा रद्द कर दिया गया और कई यात्री जोड़े है परेशान हो रहे हैं हूँ वापस जोड़ा जा रहे हैं की गल तुम्हें ट्रेन नहीं मिले कैंसिल हो गया आपको पता नहीं था भी यहाँ धरना है या क्या अब कहाँ जाना आपने तो अब कैसे जाएंगे आप बस से जाएंगे बिल्कुल यात्री जेड़े है वो कितने ना कितने परेशान है लखनऊ जाना था शादी है बहुत दिक्कत हो रही है कहाँ जाना आपने लखनऊ जाना था गंगा सतलुज से तो क्या शादी का अब वापस आवांगे तुहाड़े नाल मनदीप तस्वीरां दिखा सानू दिखांदे रहो सुरेंद्र कंबोज ने दूजे पासे सिद्धार्थ भी साडे नाल जुड़ चुके ने उन्हां दे कोल रुक करांगे सुरेंद्र की कुछ इथों दी तस्वीर है ट्रैक दीआं तस्वीरां तुसीं दिखा रहे हो बिल्कुल गुरजोत जिदा कि अनाउंस किया गया किसान संघर्ष कमेटी वालों भी आज के दिन सूबे के 12 जिलों के 14 जगह पर धरना देना है उन्होंने जलंधर कैंट भी एक शामिल किया गया तस्वीर तुम देख सकते हो पूरी तरह ना जो रेलवे ट्रैक है जलंधर कैंट का उन्होंने पूरी तरह ना बंद किया गया है और जो आने जाने वाले मुसाफर है जो रोज़मर्रा कामों कारों से जाते हैं जो होर सफर करते हैं इन रेलों का उन्होंने काफ़ी मुश्किलों का जो सामना करना पै रहा और किसानों दी जिहड़ियां मंगां हैगियां उन्हां विचों एक मेन मंग जिहड़ी हैगी आ दिल्ली संघर्ष दे विच जदों उठ के लतीफपुर हीरी विच गए सीगे उन्हां दे उत्ते एक गड्डी चढ़ा दित्ती गई सीगी जिन्हां विच 4 मजदूर ता एक पत्रकार जिहड़े सीगे उन्हां दी मौत हो गई सीगी उहनूं लै के इह धरना जिहड़ा हैगा इह लगाया गया हैगा और उन्हां लोकां दे कारवाई करन दी गल कीती जा रही है इहनां वल्लों जिहड़े करके अज 1 वजे तों लै के 4 वजे तक इत्थे रेलवे ट्रैक है उन्होंने बंद किया गया बिल्कुल वड्डा मसला है सुरिंदर जिस तरीके दे नाल सारा कुछ होया उसनू लेके अजे तक भी प्रदर्शन जिहड़े ने कीते जा रहे हैं शुक्रिया तमाम जानकारी दे लई मनदीप तुहाडा भी धन्नवाद है ते सुरिंदर तुहाडा भी शुक्रिया और सिद्धार्थ भी साडे नाल जुड़े सन उन्हां दा भी धन्नवाद है ते किस किस्म दे नाल अज ये ट्रैक जाम किए गए ने तस्वीर दिखाई है लोग परेशान हो रहे हैं कुछ ट्रेनां ज्यादातर रद्द कर दित्तियां गईआं ने तो फिलहाल इस बुलेटिन दे विच इन्ना ही सी दिओ इजाजत धन्नवाद Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा तो हर रोग दफा Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा तो हर रोग दफा 15 languages 20 उसनों किसी तरीके दे नाल बचाया जा सके क्योंकि सरकार ये भी कह रही है कि जेड़ा नहरा दे पानी का इस्तेमाल जेड़ा वह वो किया जाए क्योंकि पुराने समय के नहर के जरिए खेतों में पानी चले जाता सीगा लेकिन जो मोटर जो लगा दी गई और मोटर के सरकार भी इस गल को लेके भी जेड़े माहर कह रहे हैं कि जो बिजली मुफ्त दिती जाती है तो कई थाई वाधू पानी जोड़ा वो बेवजह जोड़ा वो चलता रहता है इस वजह करके आने वाले दिनों के खेतीबाड़ी विभाग के नाल भी मीटिंग जी की जाएगी इस बाबत चर्चा जी की जाएगी कि किमें हेठले पानी होर पानी हेठला ना जा सके इस बाबत जोड़ा वह उसनों बचाया जा सके ठीक है शुक्रिया पंकज धन्यवाद इस जानकारी के लिए तो सरकार के एक बड़े फैसले का असं जिक्र कर रहे हैं जिमें पंकज दस रहे कि मीटर सब दे लगनगे क्योंकि उसके नाल उसकी क्वांटिटी का पता चल जाएगा कि पानी कितना वरत्या गया है हालांकि घरेलू नूं कोई बिल नहीं देना पेगा या खेतीबाड़ी के लिए कोई बिल नहीं देना पेगा पर मीटर रीडिंग जरूर आएगी और बाकी थावां ते भी जिथे मीटर लगनगे कि कोई इंडस्ट्री लिए वरत्या जा रहा है या किसी होर चीज़ लिए वरत्या जा रहा है तो उत्थे फिर 300 क्यूबिक तक मीटर तक जिहड़ी है वह छूट रहेगी और उस तो बाद फिर जिन्ना जिन्ना वरत्या जाना है
ਉਹਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। अगली खबर का रुख करते हैं, खबर हिसार तो है। हिसार च एक होटल च खाना खाण पहुंचे एक डॉक्टर नू उसकी पत्नी ने घेर लिया। डॉक्टर की पत्नी अचानक होटल चा धमकती है ते डॉक्टर दे नाल खिच तू की कोशिश करती है ते जदों नहीं खिच तू कर पाती तो फिर थप्पड़ मार दिंदी है। खाना खा रहा डॉक्टर उठ जांदा है ते होटल दे स्टाफ नू बुला के अपना बचा करता है। मामला इत्थे नहीं रुकता, महिला होटल तो बाहर निकलती है ते डॉक्टर दी कार दा शीशा तोड़ के उस रखिया बैग लेके अपनी स्कूटी ते चली जांदी है। दस्या जा रहा है कि दोनों दे विच आपसी विवाद चल रहा है, लंबे समय तो दोनों अलग रहिंदे ने। मामला हिसार दे वुमेन सेल च विचार अधीन है। महिला ने सहुरे परिवार वालियां ते दहेज दे लई कुटमार करन ते परेशान करन दे दोषां तहत थाने च केस दर्ज भी करवाया। सोनीपत च नैशनल हाईवे 44 ते पिगान टोल प्लाजा तो गुंडागर्दी दीयां तस्वीरां सामने आईयां ने। बिना नंबर दी गड्डी च टोल प्लाजा ते पहुंचदे ही जिवें ही टोल कर्मचारी उन्हां तों टोल मंगदा है, कार सवार एक बदमाश उतरदा है ते टोल कर्मचारियों दे नाल कुटमार शुरू कर दिंदा है। इन्हां ही नहीं, कुटमार करन तों बाद ओह गड्डी चों पिस्तौल कढ के हवा च लहराउंदा नजर आ रहा है। बदमाश इत्थे नहीं रुके बल्कि ओह दूजे पासे भी टोल कर्मचारियों दे कोल पहुंचे ते उत्थे भी टोल कर्मियों दे नाल कुटमार करन लगे। लेन नंबर 14 पे गाड़ी आई जिस कारण कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं था गाड़ी का, तो उस जैसे वो बूथ पे आई तो टोल प्लेट 67 प्लस क्रॉस। आप टोल दीजिए, तो उन्होंने टोल देने की बजाय वहाँ पे ना के हाथापाई थी और हथियार उनके हाथ में था। 10 तो 15 मिनट तक गुंडागर्दी का तमाशा करने तो बाद बदमाश उठो चले गए। कि वह टोल पर बतौर मैनेजर तैनात है और उसके कर्मचारियों के साथ अंकित रेडाउ और उसके चार साथियों ने मिलकर टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की है, लूटपाट की है, वह हथियार पिस्टल को हवा में लहराया है। फगवाड़ा ते बटाला दे विच वख-वख दो सड़क हादसे वापरे ने। फगवाड़ा च कार सवार दो लोगों की मौत हो गई जबकि बटाला हादसे च बाइक सवार जोड़ा गंभीर रूप नाल जख्मी है। फगवाड़ा हुशियारपुर रोड से हुशियारपुर वालों फगवाड़ा आ रही एक कार पेट्रोल पंप के कोल बेकाबू होकर दरख्त नाल जा टकराई ते हादसे च दो नौजवानों की मौके ते ही मौत हो गई ते कार च सवार दो होर की हालत गंभीर है। टोटल चार जने सीगे, विचों दोआं दी डेथ हो गई जिवें उन्हां इक दे सिर च सट लगदी सी ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਜੋੜਾ ਟਰੱਕ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੋਵੇਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। बटाला चोए हादसे की वजह ट्रक चालक की लापरवाही दसी जा रही है जिसनु हिरासत ले लिया गया। तिवारी अज दे सवाल दे जवाब दी, असी सवाल पुछया सी इस प्रोग्राम की शुरुआत दे विच के मिराज 2000 नू
ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 1978, 1981, 1985 ਤੇ 1991। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 1985। ਮਿਰਾਜ 2000 ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1985 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਮਾਨ ਨੇ 1999 'ਚ ਹੋਏ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਜਰ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਹੋਰ ਮਿਰਾਜ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ 51 ਮਿਰਾਜ 2000 ਫਾਈਟਰ ਜੈੱਟ ਨੇ। ਸਾਲ 2019 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਿੱਕਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ। ਸਟਿੱਕਰ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, MLA ਵਾਲੇ ਸਟਿੱਕਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਟਿੱਕਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। VVIP ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਿੱਕਰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 90 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟਿੱਕਰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਹਾਂ, XML ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਿੱਕਰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਟਿੱਕਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਟਿੱਕਰ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੇਟ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਸੀ। ਉਧਰ BJP ਨੇਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ऐसे कई आंकड़े हर दिन हम टीवी पर देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और चंद लम्हों बाद इन सबको भूल कर वापस अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। इस बात से बेपरवाह कि ये जो हमने अभी देखा वो महज आंकड़े नहीं थे, ये भी हमारी और आपकी तरह हाड़ मांस के बने इंसान थे जिन्हें ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना था लेकिन जिनकी कहानी अधूरी रह गई। आज सड़क सुरक्षा की इस मुहिम को हम शुरुआत करते हैं अपने आप से किए हुए एक वादे के साथ। आज के बाद से हम इन आंकड़ों को महज आंकड़ों की तरह नहीं देखेंगे कि बस पढ़ा और भूल गए, बल्कि एक चुनौती की तरह देखेंगे जिससे हम सबको मिलकर निपटना होगा। बात आंकड़ों की हो रही है तो एक और चौंकाने वाला आंकड़ा मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। हमारे देश में हर रोज, जी हां, हर रोज 422 लोग
सड़क दुर्घटनाओं में मौत का शिकार बनते हैं, है ना। अफसोस की बात, इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ये सभी लोग ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं जिन्हें हम और आप आसानी से रोक सकते हैं। सड़क सुरक्षा की इस मुहिम का मकसद सिर्फ जीवन बचाना ही नहीं है बल्कि जिंदगी जीने का ढंग सिखाना भी है। इन हादसों को रोकने के लिए यह जरूरी है कि हम सड़क सुरक्षा के बारे में जानें, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें और इन हादसों को रोकने के लिए विज्ञान की मदद ले सकें। जितना ज्यादा हो सके उतने सजग बने। तो आज हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं इस पब्लिक सर्विस अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बनने के लिए जिसका नाम है सड़क सुरक्षा अभियान। देखिए जो सिग्नल है सर, इसका पालन करना बहुत आवश्यक हो गया। बहुत लोग समझते भी नहीं है सर इसको कि रेड लाइट है तो रुकना चाहिए आपको और येलो लाइट के ऊपर जो है आपको ठहरे रहिए, जब तक कि आपकी लाइट ग्रीन नहीं हो जाती तब तक आप पार मत कीजिए। इसे समझना बहुत आवश्यक हो सर। अभी उसमें आमतौर पर लोग समझते हैं कि ऑरेंज हो गया तो चलो चलें, लेकिन उस ऑरेंज लाइट में जो उधर वाला है जिसको अभी आज्ञा मिली है जाने के लिए, वो शायद बीच में रुक गया हो और उसके साथ आप जाकर के अभी अच्छा हो गया कि टेक्नोलॉजी आ गई, अब कैमरे बैठ गए। हाँ बिल्कुल सही कहा, थोड़ा सा वायलेशन करता है तो उसको फाइन चला जाता है। बिल्कुल जी। उसके कारण अब लोगों में सुधार हुआ। जी तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये थोड़ा रुकेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। दूसरा आजकल एक होता है, रात को क्या होता है ट्रैफिक नहीं होता और सिग्नल का अवधि ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो वो ड्राइवर इधर उधर देखता है कि लाल रेड सिग्नल होने के बाद में वो गाड़ी डाल देता है, उसमें कोई तो भी स्पीड से आता है और डैश हो जाता है। थोड़ा अगर हम लोग 2-3 मिनट लेट हुए तो क्या बिगड़ा, रुक जाना चाहिए जी, हाँ, जी, हाँ। हमने नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा ये जो मानवीय बिहेवियर है इसको बदलना चाहिए, बदलना पड़ेगा। कई बार गजकर जी विदेश में मैंने देखा है रात के 2 बजे कोई नहीं है सड़क पर और अब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ कि देखाऊँ कि लाल बत्ती है तो हम रुके हैं, साथ में साइकिलिस्ट एक आया है वो रुका हुआ। ये इतना अच्छा उदाहरण होता है देखने के लिए, रुका है साइकिलिस्ट है और जब तक कि हरी बत्ती नहीं हुई वो पार नहीं किया उसने। अब ये जैसी बात करें दूसरी कि कोई सीनियर सिटीजन यार क्रॉस कर रहा है उसके तो लिए रुकना चाहिए। वो गाड़ी तुरंत भले कुछ भी हो गाड़ी वाला रुकता है और पहले उनको जाने देता है और फिर जाता है, ये बहुत अच्छी बात हमने काफ़ी देशों में देखी है जी। अब धीरे धीरे हमारे इसकी शुरुआत हुई है, लोग ऐसा पालन करने लगे हैं और सिस्टम को भी हमने चेक काउंटर चेक में ये जो कैमरे वगैरह लगाए जी, जी, जी। इसके डर के कारण भी थोड़ा बहुत परिणाम हुआ है और लोगों के बिहेवियर में भी चेंज हो रहा है। कोशिश कितनी भी छोटी क्यों ना हो लेकिन अगर लगन के साथ की जाए तो एक दिन बड़ा असर ज़रूर दिखाती है। अब हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे ही लोगों से जिनकी छोटी छोटी कोशिशों की बदौलत लोगों को बदलाव का संदेश मिला है, वो बदलाव जिससे सड़कें सुरक्षित बनेंगी, वो बदलाव जिससे लोगों की जान बचेगी। इन लोगों ने सड़क हादसों में किसी अपने को खोया है, अब इनकी जिंदगी का मकसद ये है कि किसी और परिवार को ऐसा दुख न देखना पड़े। अनफॉर्चुनेटली हम सब तभी जागते हैं जब कोई हमारे साथ ट्रेजेडी होती है और कुछ लोग तब जाग जाते हैं, कुछ लोगों के लिए शायद ये सिर्फ एक सनसनीखेज खबर रह जाती है कि अगर जसपाल जी के साथ ये हुआ तो अच्छा क्या हुआ, कौन चला रहा था, ये कैसे हो गया, अच्छा आपको पता है कॉमेडी करते थे, ये देखा है ये वायरल हो गया। बट आपने उस हादसे से व्हाट हैव यू लर्नड, आई थिंक वो चीज़ हम भूल जाते हैं। और बहुत छोटे छोटे कदम मैंने लिए हैं, अखबार में मैं लिखती हूँ। ये हादसे हो जाते हैं आपके साथ तो यू जस्ट हैव टू फेस इट और कोई चारा रहता नहीं है। जैसे कि हमने बोला है जो माँ बाप पे बीतती है वो माँ बाप ही समझ सकते हैं। जी हमारी बेटी बहुत ही होनहार थी, वेरी टैलेंटेड। MBBS में 18 विषय होते हैं हमारे, उसमें से 11 विषय में गोल्ड मेडल मिला था। तो जो आप बोलते हैं ना सर GDP, सच में मैं तो बोलती हूँ नॉट जस्ट बिकॉज शी इज़ माई डॉटर बट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन दैट शी इज़ वॉज नहीं बोला जाता।
she would have really done a great good for the country. Nitin ji, baar baar baat hui ki niyam hain, lekin log palan nahi karte hain. Awareness ki sakht zarurat hai. Alag alag muhim chal rahi hain, apne apne choti choti koshish kar rahe hain log. Sarkar ki taraf se niyam hain, lekin ek ye saaf hai ki व्यापक तरीके से एक अभियान चलाने की ज़रूरत है कि धीरे धीरे जो विदेशों के लोगों का बिहेवियर है जिसकी चर्चा हमने की, क्या वो हमारे देश के लोगों का नहीं हो सकता? हम लोग कानून भले कठोर बने वो तो हमारा काम करेंगे, पर उसके बजाय हम अपने जीवन में क्यों नहीं अपने खुद होकर इस प्रकार के नियमों का पालन करें। अभी हमने एक निर्णय किया है कि विशेष रूप से जो 5वीं से लेकर 10वीं तक है उसमें हमारे जो लाइसेंस है उसके द्वारा छोटे बच्चों को हम ज़्यादा प्रशिक्षित करें, ज़्यादा उनको इसका महत्व दें, क्योंकि कल के नागरिक वो है, तो वो और जिम्मेदार बने, संवेदनशील बने। समस्या तो है, और उसमें जिसके घर में हादसा हुआ उसका दुख और दर्द देखने लायक भी नहीं है। और इसलिए जो बात मैंने कही कि करीब 18 से 34 वयोगट में 62-64% बच्चे, और मैंने देखा पूना में एक MBBS डॉक्टर, यंग लड़की MBBS डिग्री ली और उसका एक्सीडेंट हो गया। कोई इंजीनियर IIT का इंजीनियर चला गया, उस परिवार में कोई अकेला ही लड़का था जिसके ऊपर पूरा भविष्य था। उस परिवारों की कल्पना दुख और दर्द की नहीं जा सकती। तो निश्चित रूप से सरकार में परिस्थिति को देखकर हमको कानून को कठोर करना पड़ेगा, फाइन को बढ़ाना होगा, और उसके साथ साथ ये हम मजबूरी कर रहे हैं, ये कोई खुशी से नहीं कर रहे। साथी पीयूष जी, आप सेव लाइफ फाउंडेशन में 15 साल से काम कर रहे हैं जी, और आपकी कोशिश का नतीजा गुड समैरिटन लॉ भी रहा, तो गुड समैरिटन लॉ से क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, जो हमारे देश में जो दुर्घटनाएं होती हैं और उसमें जो मौतें होती हैं, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि करीब 50% जो लोग दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं उनकी जान को बचाया जा सकता है अगर उन्हें समय पर चिकित्सा मिल सके। तो अब चिकित्सा अगर किसी को मिलनी है तो उसके लिए आपको एम्बुलेंस बुलानी होगी या आपको किसी को अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन अगर आप एम्बुलेंस बुलाने से या उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से या पुलिस को बुलाने में अगर आप डरेंगे, अगर आपको झिझक होगी, तो वो व्यक्ति आपके सामने ही दम तोड़ देगा। और ऐसे बहुत केसेस हुए हैं हमारे देश में जिसमें कि दुर्घटना के बाद लोगों ने वहीं पर बहुत देर तक पड़े पड़े सड़क पर अपनी जान गंवा दी। मेरे परिवार में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था जिसके बाद हमने गुड समैरिटन लॉ के लिए एक मुहिम जारी की, और अब वो कानून जो है गडकरी सर के की वजह से वो कानून पारित हुआ है पार्लियामेंट में। और गुड समैरिटन लॉ ये कहता है कि अब आपको किसी भी कानूनी प्रक्रिया से, किसी भी पुलिस के प्रेशर से या कोर्ट कचहरी के चक्करों से डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी की आगे आके मदद करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इससे 50% जाने बच सकें हर साल, तो हम 75,000 लोगों को बचा पाएंगे सिर्फ आगे आके उनकी मदद करके। हाउ डू यू गेट गुड सेंस विद स्पीड? हाउ डू यू गेट गुड सेंस विद स्पीड? आई मीन व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ बाइक, यू हैव गॉट अ मशीन इन योर हैंड, यू आर गोइंग फुल थ्रॉटल। And Sadhguru, this question is also very important from your point of view, because you empower people. You do one thing from now on, you do this. When you're driving, if there's a two-wheeler going in front of you, first thing is check if these two wheels are aligned. Believe me, in this country, except for the first 6 months or maybe 8 months of driving, after that, nearly 70% of the vehicles are misaligned. That guy is going to fall very easily. Yeah. People don't know this. Something as simple as this. Like this, he will sit like this and drive, he thinks he's balancing. The smallest excuse, he is going to crash or he's going to hit somebody because he's compromised his maneuverability in a serious way with something like that. Tire conditions. These are all things which need to be looked at. For commercial vehicles, there is something like every year there's a renewal of license or whatever, they have to go and check. But for a private vehicle, you can't do that, no authority can do that. So, one thing is the vehicle or condition. Road, of course, there are many problems. It's great, new roads are coming up. I have also driven around both on two wheels and four wheels. Many roads in India are beginning to look like, even with flowers in between in the median, it's looking like California or Florida. Okay, it's great.
But the drivers, they don't belong to any of those places. So these are the three aspects: the mechanical condition of the vehicle that you ride, the road condition. Of course, for a two-wheeler, road condition is important, just this big stone can knock you off. And the condition of the drivers. Ek chota sa break lete hain, ye abhiyan jari rahega, ye abhiyan isliye jari rahega, kyunki ye ahem hai, isliye jari rahega, kyunki ye hum sab se juda hai. मंत्री रहे राजकुमार वीर का सरकार दे फैसले नू तुगल की फरमान दस रहे ने। की फरमान आ भई ये सदियां तो चलदा होया एक दूसरे नू मान सम्मान दा सिलसिला है, ये नजायज रवैया है, इस रवैया ठीक नहीं है और आम आदमी पार्टी दी सरकार नू अपना रवैया ठीक करना चाहिए। कांग्रेस इस नू सरकार दी छोटी मानसिकता दस रही है। एमएलए जेड़ा इन्ना सिर रहा होवे ਉਹਨੂੰ ਟੋਲ ਤੇ ਪਰਚੀ ਕਟਾਓ ਫਿਰ ਲੰਘੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਟਿੱਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪੁਣਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਟਿੱਕਰ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਣ ਔਰ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਦੋ ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ ਸੁਖੋਈ 30 ਅਤੇ ਮਿਰਾਜ 2000 ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਖੋਈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਿਰਾਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਸੁਖੋਈ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਇਲਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਜੈਕਟ ਹੋਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਿਰਾਜ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਸੁਖੋਈ ਤੇ ਮਿਰਾਜ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਉਡਾਨ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾ ਗਏ ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਰਾਜ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰੈਨਾ ਦੇ ਪਹਾੜਗੜ 'ਚ ਝੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖੋਈ 'ਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਿੰਗਸ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਇਲਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਜੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਉਤਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖੋਈ ਬਿਨਾਂ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿਗੋਰਾ 'ਚ ਝੜ ਗਿਆ। ਤਿਵਾਰੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਿਰਾਜ 2000 ਉਸਨੂੰ IAF ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ 1978, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 1981, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 1985 ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 1991। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਰਾਜ 2000 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਫੋਰਸ 'ਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 1978, 1981, 1985 ਜਾਂ 1991? ਅਤੇ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਚ PDP ਚੀਫ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਇਲਤਜ਼ਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ 2019 'ਚ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ CRPF ਦੇ 40 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਵੜ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਚੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਾ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮੇਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਏ, ਯੁਵਾ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ, ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ,
बच्चे जो हैं वो देश और समाज का भविष्य होते हैं, ये महफूज रहेंगे तो देश और समाज का भविष्य भी महफूज रहेगा, सुरक्षित रहेगा। लेकिन हमारी लापरवाही के चलते ही मासूम बच्चे सड़क हादसों का शिकार बन जाते हैं। साल 2021 में आपको बताना चाहता हूँ कि सड़क दुर्घटना में करीब 8000 बच्चों ने अपनी जान गंवाई, यानी हर दिन करीब 21 बच्चों की जान जो है वो चली गई। इन बच्चों ने किसी और की लापरवाही की कीमत चुकाई है। बदकिस्मती ये है कि सड़क सुरक्षा के मामले में इन बच्चों की आवाज़ की कोई अहमियत ही नहीं होती। आज इस मंच के ज़रिए हम हमारे देश के भविष्य, हमारे बच्चों तक सड़क सुरक्षा का ये जो पैगाम है ये हम सब पहुंचाएंगे, क्योंकि आज के ये छोटे बच्चे ही कल के रोड यूजर्स बनेंगे। तो कैच देम यंग, सड़क सुरक्षा के मामले में ये सिद्धांत कारगर साबित हो सकता है, ये बात हम सब मान रहे हैं। लेकिन एक शख्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले ही इस बात की इम्पोर्टेंस को, उसके महत्व को समझकर काम शुरू कर दिया था। वो अपने स्कूल के ज़रिए बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में समझाते हैं। तो स्वागत करेंगे ऋषभ आनंद जी का। ऋषभ आनंद और उनके साथ हैं उनके कार्टून प्ले स्कूल से जुड़े कुछ होनार स्टूडेंट्स। तो ऋषभ जी, कार्टून प्ले स्कूल क्या है? सब कार्टून प्ले स्कूल कह सकते हैं कि ट्रैफिक सेंस का एक एसेंस जो हमेशा बरकरार रहे 24 घंटे, उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट डाला था 2016 में। कई सालों से मैं रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ हूँ और ट्रैफिक एजुकेशन प्रोग्राम्स करने के दौरान ये चीज़ें समझ में आई कि हमारे एज ग्रुप के या हमसे बड़े जो हैं उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर हम अवेयरनेस लेवल पर बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में प्रोग्राम कर रहे थे, इस बीच में फिर एक दिन लगा कि क्यों ना छोटे बच्चों के साथ शुरुआत की जाए और शायद वो थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो। और यही सोच के हमने एक स्कूल डाला जिसका नाम कार्टून रखा। नाम थोड़ा सा वियर्ड था लोगों के लिए, उस समय हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था कि भाई कार्टून क्यों। लेकिन कहते हैं कि बच्चों को कार्टून बहुत पसंद होते हैं, तो कहते हैं कि हमें कार्टून देखना है, हमें कार्टून देखना है। तो मुझे लगा कि शायद मैं एक ऐसा स्कूल खोलूं और एक ऐसा नाम रखूं जहां बच्चे बोले कि मुझे कार्टून जाना है, तो शुरुआत यहां से हो। तो मैं ये इन बच्चों से ये पूछना चाह रहा हूं कि स्कूल में जो कुछ भी इनको सिखाया गया था, सारे नियम कायदे कानून इन्होंने सीख लिए थे, लेकिन क्या ये ट्रेनिंग में भी काम आए हैं कि नहीं? ये सर, एक्चुअली मैंने अपने दादू को एक बार रोका था क्योंकि मैं अपने, वो मुझे स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे एंड वो अपना सेलफ़ोन यूज़ कर रहे थे। तो मैंने उन्हें बोला कि दादू, हमें कार्टून प्ले स्कूल में सिखाया गया है कि ड्राइविंग के समय हमें सेलफ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए। वो ड्राइविंग करते समय सेलफ़ोन पर काम कर वो बोल रहे थे? यस सर, वो फ़ोन पर बात कर रहे थे। गलत बात है। यस सर, मैंने उन्हें बोला भी और फिर उसके बाद से वो नहीं किए, कभी नहीं। वेल डन। थैंक यू सर। मैंने भी अपने एक रिलेटिव थे, हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे तो वो एक्चुअली, उन्होंने भी सीट बेल्ट नहीं पहना था तो उन्हें मैंने रोका कि अंकल प्लीज़ सीट बेल्ट पहनिए, नहीं तो कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो वी नेवर नो व्हाट हैपेंस, सो इट्स बेटर टू नॉट टू टेक रिस्क। सो मैंने उनको गाइड किया कि आप प्लीज़ सीट बेल्ट पहन के ही व्हीकल चलाएं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि ना केवल उनको रोका बल्कि गाड़ी भी रोक दी। गाड़ी रोकिए, आप बोलिए उनको गाड़ी रोकिए, फिर उनको कहिए सीट बेल्ट पहनिए। यस सर, थैंक यू सर। ऐसे ही बात बच्चों की हो रही है। अगले मेहमान बात तो सड़क सुरक्षा की करते हैं लेकिन उनका अंदाज बहुत निराला है। बुलाते हैं एल्मो और चमकी को। बाइक पे जूम जूम धूम मचाने जा रहा है चमकी। अमिताभ सर, क्या आप भी हमारे साथ जूम जूम करेंगे? हाँ प्लीज। या हम आएंगे, लेकिन आपको ये जूम जूम जो है ना, थोड़े से धीमे चलाना पड़ेगा। जो स्पीड की रफ्तार है उसको धीमे रखना पड़ेगा। ओ, जूम जूम फास्ट नहीं? हाँ जी, जूम जूम फास्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल फास्ट नहीं चलाने का है, जो स्पीड लिमिट लिखी गई है उसी के अनुसार जाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सही एल्मो, जूम जूम सिर्फ धीरे धीरे। कैसे? देखो ऐसे, आप देखिए अमित सर, क्या ये ठीक है? जूम 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 जूम, ऐसे ऐसे धीरे धीरे। अमित सर, आप भी हमारे साथ हमारे कल्पना के स्कूटर पे चलिए ना।
दो से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं गाड़ी के ऊपर, बैलेंस खराब हो जाएगा, टक्कर हो जाएगी। दो से ज्यादा ये नियम बना हुआ है। चमकी एंड एल्मो, आप दोनों बैठेंगे पीछे अपनी स्पेशल चाइल्ड सीट्स के ऊपर। तो चाइल्ड सीट बनी है ना, उस पर बैठेंगे और बेल्ट लगाएंगे वहां पर, समझ गए? हाँ जी, यस सर। हाँ, सिर्फ मुंडी मत हिलाओ, उसको पालन भी करना पड़ेगा। ओके, गुड गर्ल। अब सर, अमित सर आप ड्राइव कीजिए, हम लोग पीछे बैठ गए। हाँ बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सनरूफ तो खोल दीजिए ताकि मजा आए। हाँ, बहुत मजा आता है सनरूफ खोल के। हाँ, अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, सनरूफ जो है उसका नाम क्या है? सनरूफ, सनरूफ यानी सन आना चाहिए, मुंडी नहीं बाहर आनी चाहिए, समझ गए? उसके ऊपर खड़े होकर अपना सिर बाहर नहीं रखना है। चलती गाड़ी में कोई चीज लग जाएगी तो चोट लग जाएगी कि नहीं? हवा की झोंकी लेने, वो फ्रेश एयर के लिए है, धूप आने के लिए है। थैंक यू अमित सर, थैंक यू सर, हमने बहुत सारी बातें सीखी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज की दुनिया इंटरनेट की दुनिया है, लेकिन फिर भी ज्ञान जो है उसका सबसे बड़ा स्रोत है आज भी किताबें। किताबों के पन्ने पलटिए, हर पन्ने के साथ दुनिया की एक नई तस्वीर आपके सामने आती है। कई बार शब्द जो होते हैं आपके दिल में उतर जाते हैं, इसलिए जो हम बचपन में पढ़ते हैं उसकी छाप जीवन रहे, जीवित रहें लोग, और उसके लिए कहीं ना कहीं से हम सब उसके उत्तरदायित्व तो हम उसका लें, उसकी जिम्मेदारी उठाएं। सतगुरु, व्हाट वुड बी योर टेक अवे एंड व्हाट वुड बी योर सजेशन और एडवाइस टू पीपल ऑन दिस? See, one thing that we need to recognize is we are a generation, we are a society, we are a nation who are in transition in various aspects of life, from one level of living to another. This is also the pride of the nation, that we could be, if we do things right right now, not just about the roads, about everything, we could be just that one civilization, in a matter of one generation, we moved 600 million people from one level of living to another. Never it's been done in a democratic process, it's been done forcefully in some nations. So in that, transportation, logistics are very significantly important aspect. ये लोक प्रबोधन, लोक शिक्षण और लोक संस्कार, तो अभी हमने एक सिस्टम निकाली है कि एक डिजिटल कोर्स तैयार किया है, और स्टेट वाइज प्राइवेट एजेंसी को ये कहेंगे कि वो अपने घर में बैठकर कंप्यूटर पर ही डिजिटल थ्योरी परीक्षा देंगे ड्राइविंग लाइसेंस के पहले, और उसमें उसको जानकारी से उसके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगी, और वो जवाब देने के बाद, परीक्षा पास करने के बाद, फिर प्रैक्टिकल उसका ड्राइविंग ट्रेनिंग की परीक्षा ली जाएगी। इट कैन बी इजीली डन डिजिटली, वी आर केपेबल ऑफ दैट। सो इवन इफ समबडी हैज अ लाइसेंस, यानी 30-40 साल हो गए उसको लाइसेंस के, अगर उनको किसी तरह आरटीओ की तरफ से, क्योंकि उनके पास सब रिकॉर्ड है, लाइसेंस रिन्यू तो करना पड़ता है, और उसको या तो रिन्यू कराए या फिर से उसका इम्तिहान लिया जाए कि भैया तुम सही चला रहे हो कि नहीं। लंबा प्रोसेस है, बहुत ही इसमें कष्ट होगा उसको एग्जीक्यूट करने में, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं सर कि अगर एक बार चेतावनी चली जाए कि कभी भी आपका रिव्यू हो सकता है, रिव्यू हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन एक बार एक चेतावनी चली जाए तो वो अवेयर रहेगा कि भैया किसी भी समय मुझे बुला सकते हैं तो मैं सही चलाऊँ। खैर, इन शानदार सुझावों के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करते हैं न सिर्फ ये बातें सुनी गई होंगी बल्कि इन बातों पर अमल भी किया जाएगा। असल बात वही है, सड़क सुरक्षा अभियान का ये सफ़र यहीं तक था, लेकिन याद रखिए सिर्फ ये शो खत्म हुआ है, सड़क सुरक्षा को लेकर हमारा प्रण अब शुरू हुआ है। एना खबरां च मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदल के दूसरा नाम रख दिया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिता। इस तो पहला सरकार ने दिल्ली च मुगल शासकों के नाम से बनिया सड़कों का भी नाम बदल दिता सी। औरंगजेब रोड का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम रोड कर दिता सी। इस साल 31 जनवरी तो 26 मार्च तक जनता दे लई अमृत उद्यान खुला रहेगा। उस तो बाद 28 मार्च नू सिर्फ किसानां दे लई ते 29 मार्च नू दिव्यांगां दे लई इस नू खोलिया जाएगा। 30 मार्च नू पुलिस सुरक्षा बल ते सेना दे परिवारां दे लई गार्डन खुला रहेगा। इस दौरान विजिटर इत्थे मौजूद खूबसूरत फुलां दा आनंद लै सकणगे। अमृत उद्यान च 12 तरह दे खूबसूरत ट्यूलिप दे फुल ने।
गार्डन जल्द ही आम लोगों के लिए भी खुलने वाला है। इस गार्डन में कई तरह के खूबसूरत फूलों के पौद्या नाल सजाया गया है। इन्हां च ट्यूलिप ते गुलाब के फुल सब तो ज्यादा लोगों के आकर्षण का केंद्र होंगे ने। अमृत उद्यान च उन्हां लोगों नूं जाण दी इजाजत होएगी जो लोग ऑनलाइन एडवांस बुकिंग के जरिए पास लैके आउणगे। सुरक्षा कारणों के चलते एहतियात के तौर पर वॉक इन एंट्री की सहूलत नहीं होएगी। पिछले साल भी वॉक इन एंट्री की सहूलत नहीं सी, उदो भी एडवांस ऑनलाइन बुकिंग करने वाले। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक वीजा गुरु गौरव तलवार पे ऑल फी आफ्टर वीजा। पंजाब च किसानों का रेरोक आंदोलन जारी, शहर शहर ट्रैकों से बैठे किसान ट्रेन से सफर करने वाले लोग हो रहे ने परेशान। ਸਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗ ਚਾਰੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਬਾਗਪਤ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਮ। ਹਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਸਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ, ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਬੱਸ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਵ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਈ ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ, ਨਵ ਦਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ 48 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਬੂ, ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ 4 ਨਾਈਜੀਰੀਅਨਾਂ ਸਣੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਡੇਟਿੰਗ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਠੱਗੀ। ਮੂਸੇੜਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ, ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਬੋਲੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਰਕਰਾਰ, ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਾਂਗੀ ਪੈਰ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੰਨ, ਲਾਲ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤਿਰੰਗਾ, 4,080 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਹਗੀਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਸਾਫਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸੜੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਔਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ।
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਿੱਧੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ। ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਰਾਜੀਵ, ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ, ਠੰਡ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ 4 ਵਜੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੇਲ ਅਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ ਹੋਰ ਕੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ 51 ਦਿਨ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੋਈ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਣਾ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੰਬੋਲਿਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟਹਿਣੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 120B ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ 29 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਲਏ, ਅਮਨ ਡਬਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਖੱਤਰੀ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ, ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਡਾਂਗਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ FIR ਆ 307 ਦੀ, 300 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਟਾਲਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਲੰਮਾ ਜਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਹੈ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਲਏ 1 ਮਹੀਨਾ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮਹਿਣ ਦਾ ਮਸਲ ਜਦੋਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,
ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਜਾਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦੇ ਜਾਣ, ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੌਤ ਮਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਚੱਕੀਏ। ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਖਿੱਲੇ ਆ, ਸੂਰਬੀਰ ਆ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਾੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁੱਖ ਲਿਆਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਣੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੁਗੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਗੱਲ ਮੋਗਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਅਗਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੀ, 2:50 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯਾਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗੇ। ਲੇਕਿਨ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਪਾਏਗੀ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹਜੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਆਏਗੀ? ਹਾਂ, 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੱਸ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੀ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ ਜਾਣਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਕਰਨਾਲ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ? ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਵਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ 3:30 ਆਊਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋਗੇ? ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੱਸ ਵੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਵੀ ਆਊਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਟੇਰ ਜਲਦੀ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣਾ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰੀ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾਮ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੂੰਗੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਬਟ ਮੈਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੂ ਦੇ ਰੇਪਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਇਨਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਆਫਕੋਰਸ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਂਗੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪੇ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਖੋਲਿਆ, 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਉਸਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਖੋਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਖੋਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਖੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੇਰਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਲ ਪਲ ਮੇਰਾ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਖੜਾ ਦੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਠੋਕਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਲੋਹੜ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੈੱਟ ਪੈ ਗਏ ਦੁਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਘਰ ਵੀ ਉਜੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਸਮਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੇ ਨਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ 48 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 4 ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਸਣੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਗਏ ਕੇਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 25 ਫੋਨ 2 ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਜਟਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਰੋਹ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ एसपी सिटी केतन बंसल जी हैं एसपी सर जिस तरह की मोडस ऑपरेंडी इन्होंने की पुलिस कॉन्फर्मेशन क्या थी उसके आगे आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या है इसमें हमारे पास एक लेडी डॉक्टर से कंप्लेंट आई थी कि वो एक लड़के के साथ उसकी चैटिंग चल रही थी जिसने कि बताया कि वो अभी चंडीगढ़ से मिलने आना चाह रहा है तो बॉम्बे एयरपोर्ट पे उसको पकड़ लिया गया है कस्टम अथॉरिटीज में तो उसने उस पर टैक्स पे अराउंड 48 लाख जमा करवाए और उसके बाद ये चैटिंग निकली तो ये टोटल इन्वेस्टिगेशन में हमने 5 अफ्रीकन नेशनल और एक लेडी को अरेस्ट किया सर क्या क्या रिकवरीज उनके पास इनसे हमें तकरीबन 25 मोबाइल फोन रिकवर हुए हैं 3 लैपटॉप रिकवर हुए हैं डोंगल्स रिकवर हुई हैं जी सर कौन सी ऐप यूज करते थे और कैसे उन्होंने ठगी का निशाना ये क्रिश्चियन डेटिंग ऐप है जिसके ऊपर इन्होंने एज अ डॉक्टर इसने जो कैली एक अक्यूज्ड है उसने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ था जी सर ये जो अक्यूज पकड़े गए हैं इनका कोई पिछला क्रिमिनल बैकग्राउंड हां जी इनमें से जो 3 अफ्रीकन नेशनल्स हैं 5 में से 3 ऑलरेडी जेल में रह चुके हैं 2 एनडीपीएस के मामलों में और 1 ऐसा सिमिलर साइबर क्राइम के मामले में जी लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए वो किसी भी डेटिंग ऐप के ऊपर किसी से बात करते हैं किसी भी सोशल मीडिया साइट पे किसी से चैट करते हैं तो जिस बंदे से वो फिजिकली मिले नहीं है बहुत सतर्कता से उनके साथ चैट करनी चाहिए और कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना शेयर करें बिल्कुल कोई फाइनेंशियल फिलहाल इसे रोक रहे हैं छोटी जी ब्रेक ली जल्द हाजिर होने ब्रेक तो बाद हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा तो हर रोग दफा हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा तो हर रोग दफा गार्डन च जान दी इजाजत दिती गई सी गार्डन सवेरे 10 बजे तो लेके शाम 4 बजे तक खुला रहेगा अमृत उद्यान च जान दे लई सुबह 10 बजे तो लेके 12 बजे तक 7500 लोकां दे लई टिकट जारी कीते जानगे ते इस तो बाद 12 तो शाम 4 बजे तक गार्डन च जान दे लई एक बार फिर तो 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਖਬਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ ਬਿਲਾਸਪੁਰ 'ਚ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਹਰਲੇਕਰ ਸੀਐਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 2800 ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹਮਾਰੇ ਨੱਡਾ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੋ ਉਨਕੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਥੀ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਐਸੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸਭੀ ਦਲੋਂ ਕਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵੀ ਯਹਾਂ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਏ ਉਨਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ एक अच्छा उत्सव है आज के बेटे की शादी होगी दोनों बेटों की शादी हो गई तो हमारी ओर से शुभकामनाएं नड्डा दे छोटे बेटे हरीश नड्डा जयपुर तो अपनी पत्नी रिद्धि नु लेके शुक्रवार नु बिलासपुर पहुंच गए सी बीजेपी दे कौमी प्रधान जेपी नड्डा दे बेटे हरीश दी 25 जनवरी नु जयपुर च शादी हुई सी ते उना दी शादी जयपुर दे होटल व्यापारी रमाकांत शर्मा दी बेटी रिद्धि दे नाल हुई है
जी ट्वेंटी के लिए विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए चंडीगढ़ नूं पूरी तरह सजाया गया है। एयरपोर्ट तो शहर की एंट्री ते उस तो अगे दे रस्ते ते सजावट की गई है। रस्ते च पैण वाले कई पॉइंट्स ते जी ट्वेंटी देशों के झंडे लाए गए ने। जी ट्वेंटी देशों की इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ते मीटिंग 30-31 जनवरी नूं चंडीगढ़ के होटल ललित च होएगी। बकायदा तौर पर डेलीगेट जिहड़े ने ओह पहुंचने शुरू हो चुके ने। 170 डेलीगेट चंडीगढ़ दे विच पहुंचणगे, जिन्हां नूं जिथे मीटिंग होएगी उत्थे ही जी ट्वेंटी समिट की जिहड़ी थीम रखी है, एक धरती एक परिवार एक भविख, ये जी ट्वेंटी की थीम है। और भारत दे विच क्योंकि जी ट्वेंटी सम्मेलन होने जा रहा है और हर साल वख वख मुल्कां दे विच जी ट्वेंटी सम्मेलन जिहड़ा उह करवाया जांदा, और इस बार भारत दे विच जी ट्वेंटी सम्मेलन हो रहा, और सब तो पहला चंडीगढ़ दे विच मीटिंग होने जा रही है 30-31 तरीक नूं। चंडीगढ़ प्रशासन ते नगर निगम ने शहर दी ब्यूटीफिकेशन ते सजावट ते लगभग 30 लाख रुपए खर्च किए ने। शहर दे सेक्टर 29 दे ट्रिब्यून चौक नूं फॉरेन फ्लैग्स दे नाल सजाया गया। चंडीगढ़ च जी ट्वेंटी दी मीटिंग नूं लैके 170 दे लगभग डेलीगेट्स शहर च पहुंचणगे, जिन्हां च फॉरेन डेलीगेट्स भी शामिल होणगे। इन्हां नूं शहर दे 5-स्टार होटल्स ठहराउण दा प्रबंध कीता गया, जिन्हां च होटल ललित, होटल हयात, JW मैरियट शामिल ने। प्रशासन ने इन्हां VIP गैस्ट नूं लियाउण ते छड्डण दे लई 72 SUV हायर कीतियां ने। प्रशासन ने इन्हां मेहमानां ते लगभग 4 करोड़ दा बजट रख्या है। ते एक वड्डी खबर, पंजाब सरकार ने एक फैसला लिया है धरती हेठले पानी दी सवाल नूं लैके। धरती हेठले पानी दी सवाल नूं लैके सरकार दा वड्डा फैसला है, और नवीं हदायतां दा एक नोटिफिकेशन सरकार वल्लों जारी किया गया है। धरती हेठले पानी दे संभाल दे लई सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए ने कि धरती हेठला पानी कढ़न ते हुण मीटर लगेगा, और मीटर दी रीडिंग दे मुताबक हुण बिल आया करेगा। 3 जोन दे विच पंजाब नूं वंडिया गया है, ग्रीन, येलो ते ओरेंज जोन। 300 क्यूबिक मीटर प्रति महीना पानी कढ़न दी छूट होएगी। 300 क्यूबिक मीटर प्रति महीना पानी कढ़िया जा सकेगा, यानी उस ते कोई बिल नहीं आएगा। 300 to 1500 क्यूबिक तक जे पानी कढ़ना है तो उसते 4 to 8 रुपए का रेट होएगा। 1500 to 15000 क्यूबिक मीटर तक प्रति क्यूबिक 6 to 10। रेट रखा गया है। जमीन चो पानी कढ़ने के लिए अथॉरिटी तो इजाजत लेनी होगी, और खेतीबाड़ी लई या पीन लई या घरेलू वरतों के लिए जिहड़ा पानी होएगा उसते कोई बिल नहीं लगेगा, उसते कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। पर उस तो अलावा जे किसी काम लई पानी धरती हेठों कढ़िया जाएगा तो फिर उसते बकायदा मीटर लगेगा, तो मीटर की रीडिंग के मुताबिक पैसे देने होंगे। सरकार का यह वड्डा फैसला है धरती हेठले पानी नाल संबंधित। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। पंकज, कह सकते हैं आपां ये काफ़ी अहम चीज़ है, धरती हेठले पानी का जिक्र तो आम तौर पर हुंदा है कि पानी बहुत हेठा चला गया। सो हुण जिहड़ा ये फैसला लिया सरकार ने, थोड़ा जिहा डिटेल दे विच जानना चाहवांगे कि ये लागू किस तरीके नाल होएगा, और किहड़े कम्मां दे लई पानी वरत्या जाणा है जिन्हां ते मीटर लगणगे। देखो विजय, क्योंकि पंजाब च बहुत सारा एरिया जी है जिहड़ा लगातार डार्क जोन दे विच आ रहा, और जिहड़े माहर ने वो इस बाबत लगातार जिक्र कर रहे हैं कि अगर अजिहे हालात रहे तो अगले 15-20 सालों दे विच पंजाब दे विच मुस्त राजस्थान वर्गी स्थिति बन जाएगी। बहुत सारे इलाके जिहड़े वो पूरी तरीके दे नाल सुखे पै जाणगे। सरकार ने मुख्यमंत्री वालों लगातार इस बाबत मीटिंग की जा रही थी कि किवें पानी नूं बचाया जा सकता है। तो एक रिपोर्ट यह भी सामने आई कि अमूमन कई थावां दे उत्ते देखदे आ कि मोटर चला के वाधू पानी जिहड़ा है वो लगातार कढ़िया जांदा, 6-6, 8-8 घंटे 10-10 घंटे मोटर जिहड़ी वो चलती रहिंदी है। तो इसे वजह करके हुण सरकार वालों फैसला लिता गया, क्योंकि 3 जोन दे विच जिहड़े ने वो वंडिया गया, रेड जोन, ग्रीन जोन ते एक जोन होर है। जिस तरीके दे नाल, क्योंकि जिथे पानी ज्यादा
डूंगा वै ज्यादा नीचे चला जा नीचे जा चुका वै उ अलग रेट जेडे ने रखे गए ने मीटर जोड़ा वो लगाया जाएगा ताकि पानी जे जेकर ज्यादा वरत्या जाता है तो उसके पैसे जेडे ने देने पैणगे सरकार वालों इस करके भी फैसला लिता गया है ताकि पानी जोड़ा बचाया जा सके और जोड़ा वाधू पानी का इस्तेमाल हों उसू रोकया जा सके ते इस दे विच एग्रीकल्चर ते घरेलू नूं छोड़ दित्ती गई है यानी जे तुसी अपने घर लई पानी वरतदे हो या अपनी खेतीबाड़ी लई क्योंकि इस सवाल का मतलब ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि पंजाब दे विच जदों जिक्र हुंदा है धरती हेठले पानी का तो वह झोने की बिजाई नूं लैके ज़्यादा हुंदा है कि झोने की बिजाई है मोटरां चलदियां ने दिन रात क्योंकि पानी चाहिदा हुंदा है और उस लई ज़्यादा पानी जिहड़ा है वह धरती हेठों कढ़िया जांदा है सो इस नूं लैके छोट रहेगी ये लिखा गया उन्हां दे विच देखो झोने नूं लैके लगातार सरकार यह भी कह रही है कि फसल नूं बदलन की जरूरत है असी तीजी फसल की शुरुआत करन दे लई एमएसपी देवांगे एग्रीकल्चर नूं लैके लगातार जिक्र यह हुंदा है कि कई थावां दे उत्ते मोटर जिहड़ी है वह बिना वजह जिहड़ी वह चलती रहिंदी है जिथों तक एग्रीकल्चर नूं लैके है ये थोड़ा जिहा होर क्लीयर करन की कोशिश करांगे इस बाबत कि किस तरीके दे नाल कि एग्रीकल्चर नूं इस बाबत छोट है या नहीं है जी। अच्छा पंकज इस दे विच एक सवाल होर है कि जिवें 300 क्यूबिक तक उन्होंने क्या छूट है और उस तो बाद जिहड़ा है वह मीटर की रीडिंग के हिसाब नाल पैसे वसूले जाएंगे एग्रीकल्चर से नहीं कोई चार्ज होएगा या घरेलू तो नहीं कोई चार्ज होएगा पर जे मीटर लगन की गल आ रही है कि यह स्पष्ट किया सरकार ने कि मीटर फिर सारियां दे लगन गए बिल्कुल मीटर जिहड़े ने वह घरां दे नाल नाल सारे पासे मीटर जिहड़े वो लगाए जाएंगे इस बाबत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के नाल आने वाले दिनों के मीटिंग भी जिहड़ी है वह की जाएगी जिहड़े कुलदीप सिंह धालीवाल ने और इस दे नाल नाल जिहड़े ग्राउंड इस वेले सरकार का एको एक मकसद है कि डार्क जोन जिहड़े ज्यादा हो चुके हैं जिते पानी ज्यादा हेठा जा चुका है उसनों किसी तरीके दे नाल बचाया जा सके क्योंकि सरकार यह भी कह रही है कि जिहड़ा नहरां दे पानी का इस्तेमाल जिहड़ा वै उह कीता जावे क्योंकि पुराने समय दे विच नहरां दे जरिए खेतों नूं पानी चले जांदा सीगा लेकिन जदों मोटरां जिहड़ियां उह लगदियां। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ। बढ़ती डिजिटल लिटरेसी और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए स्मार्ट डिवाइसेस इस्तेमाल ने जीवन को सिंपलर इजियर एंड कन्वीनियंट बना दिया है। इसके साथ ही सरकार के डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन ट्रैफिक कई गुना बढ़ चुका है लेकिन ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। स्कैमर्स या धोखेबाज हमारी भावनाओं को अपना शिकार बनाकर या हमारी व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने के लिए अथॉरिटी फिगर्स का नकाब ओढ़कर सामान्य या टारगेटेड फिशिंग कैंपेन्स तैयार करते हैं। इस डिजिटल खतरे का मुकाबला करने और फिनेंशियल फ्रॉड्स और ऑनलाइन स्कैम से लोगों की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में न्यूज 18 नेटवर्क और गूगल इंटरनेट को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के लिए पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव के लिए एक साथ आए हैं। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं सेफर विद गूगल इन पार्टनरशिप विद न्यूज 18 नेटवर्क। आपके वर्चुअल इंटरैक्शंस को सुरक्षित बनाते हुए और आपको ऑनलाइन खतरों और धोखेबाजों से आगाह करते हुए इस सीरीज का उद्देश्य दर्शकों को डिजिटल सुरक्षा की नॉलेज से लैस करना है। हमने देश भर में यात्रा की है ताकि आप तक नागरिकों द्वारा बताई गई अपनी आपबीती लाई जा सके जो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आवश्यक सुरक्षित तरीकों की सीख दे सके। आज का एपिसोड इस बात का एक संक्षिप्त चित्रण है कि कैसे डिजिटल लिटरेसी के बावजूद लोगों को घोटालेबाजों द्वारा चालाकी से निशाना बनाया गया है और धोखा दिया गया है। ये कहानियां आंखें खोलने वाली है और याद दिलाती है कि हर किसी को हर समय अपने डिजिटल गार्ड को ऊंचा रखने की जरूरत है और फिर से रिकन्फर्म करने की जरूरत है कि वो राइट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके सही लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। दिल्ली से हमारी पहली कहानी एक बहुत ही स्मार्टली एग्जीक्यूटेड स्कैम है जहां घोटालेबाजों ने एक बैंक ऑफिशियल के नकाबपोश पहचान के तहत गुलाम हुसैन से बातचीत की और चालाकी से उन्हें धोखा दिया। आइए आपको दिखाते हैं।
पेमेंट करना पड़ेगा या इसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। गुलाम ने जालसाज से कार्ड को डीएक्टिवेट करने की प्रोसेस के थ्रू उनको गाइड करने के लिए कहा। हमने कहा मियां अब हमें करना क्या पड़ेगा उसके लिए, तो कहने लगा एक मैं लिंक भेज रहा हूँ आप उस पर क्लिक कर दीजिए और जो डिटेल आएगी उसे भर दीजिए। मैंने लिंक पे क्लिक किया और उसमें जो भी मेरी जानकारी थी वो मैंने उसमें भर दी और मियां कुछ ही देर बाद मैंने देखा मेरे बैंक अकाउंट से 2 बार 45,000 रुपया निकल गया। 45 सेकंड के अंदर ही डॉक्टर गुलाम को मैसेजेस मिले जिसमें कहा गया था कि 45,000 रुपए के 2 ट्रांजैक्शंस किए गए थे जो कुल 90,000 रुपए थे। मैं भागा भागा गया। बड़े पैमाने पर हो रहे हैं क्योंकि उन्हें काफी स्मार्ट तरीकों से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। बैंकिंग सेवाओं के नाम का इस्तेमाल करने वाले घोटाले ऐसे ही एक हैं। बैंक प्रोफेशनल्स के साथ जनता द्वारा जुड़ी सीरियसनेस और ऑथेंटिसिटी को देखते हुए धोखेबाज आसानी से पीड़ितों को अपने झूठ पर विश्वास करने के लिए मनाने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए बैंकों द्वारा हमें भेजे जाने वाली कई नोटिफिकेशन के बाद हम भी ये जान गए हैं कि बैंक कभी भी कोई ओटीपी या अकाउंट डिटेल्स नहीं मांगते हैं। हमें बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके खुद को धोखा देने से बचाने की जरूरत है। गुजरात की अगली कहानी से पता चलता है कि कैसे धोखेबाजों को बलदेव भाई पटेल के बारे में पता चलने के बाद कि वो अपना लोन बिल चुकाना चाहते हैं, चतुराई से अपने फायदे के लिए स्थिति का इस्तेमाल किया। आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद के जलोया के बलदेव भाई पटेल कोविड पीरियड के दौरान इकोनॉमिक क्रंच की वजह से कुछ महीनों के लिए अपने लोन इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाए थे। उन्हें पेंडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स को निपटाने के लिए नोटिसेज मिल रहे थे और आखिरकार अपने बकाए को क्लियर करने के लिए पैसे इकट्ठा किए। मेरे पास पैसा मेरा जो किस्त बाकी था उनके लिए मेरे को बैंक के ऑफिसरों ने बोला कि आपका सिविल खराब होगा, आप जल्दी भर दीजिए। उसी वक्त बलदेव भाई को दिल्ली से एक फोन आया जिसमें क्लेम किया गया कि वो बलदेव के बैंक की मेन ब्रांच में सीनियर मैनेजर हैं और वो पेंडिंग पेमेंट्स को आसानी से निपटाने में मदद करेंगे। हेड ऑफिस के नाते मैंने सोचा कि चलो बड़े साहब मिल गए हैं तो मेरे को पेनल्टी कुछ कम कर देगा या मेरा जो सिबिल खराब होना है उसमें ये साहब मेरे को मददगार होंगे और इसने मेरे को ये सब प्रॉमिस दिए कि तुम्हारा सिबिल खराब नहीं होने दूंगा, तुम मेरे पर भरोसा रखो और तुम्हारा जो कुछ पेनल्टी है उसमें से मेरे से जो हो सके मैं अपने साहब को तुम्हारे लिए विनंती करूंगा और जो कुछ होगा वो मैं आपको मदद रूप होऊंगा। बलदेव भाई ने धोखेबाज पर विश्वास किया और उसके मुताबिक बताए गए अकाउंट डिटेल्स पर पैसे भेजना शुरू कर दिया जिसके लिए उन्हें फेक क्लोजर रिपोर्ट्स भी मिली। लेकिन बलदेव भाई को जब फिर से अपने ड्यूज क्लियर करने के लिए अपने बैंक से नोटिफिकेशंस मिली तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा धड़ी हुई है। ऐसे होते होते मेरा 18,09,400 रुपया का मेरे साथ छेतरपिंडी हुआ। वो बैंक वालों ने जब मेरे पास अपना किस्त का उगरानी किया तब मैं बैंक में गया, तब मेरे को पता चला कि मैंने जो कोई पैसा भरा है वो तो बैंक के टॉप एचओ का अकाउंट में जमा ही नहीं हुआ है। तो मेरे को वो दिन लगा कि नहीं मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। इतना बड़ा अमाउंट गंवाने से वे टूट गए थे लेकिन बलदेव भाई ने साहस जुटाया और मदद के लिए साइबर पुलिस को अप्रोच किया। मैं आप जनता को दो हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि किसी भी आदमी की कैसी भी बातों पे विश्वास मत कीजिए और तुमने जो संस्था के जो बैंक से डीलिंग किया है डायरेक्ट वही बैंक ऑफिसर को मिले। किसी को अपना QR, अपना बैंक अकाउंट, अपनी कोई निजी माहिती जो है वो किसी के साथ किसी को ना दे।
हालांकि हम प्रत्येक दिन सैकड़ों ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हैं, धोखाधड़ी के मुद्दे को सुनते ही हम अक्सर पीछे हट जाते हैं और इन सेवाओं का इस्तेमाल जारी रखने में संकोच करते हैं। लेकिन ये केवल तभी होता है जब हम लापरवाह रहते हैं और सुरक्षा सावधानियों का पालन नहीं करते हैं और एक बुरे अनुभव से गुजरते हैं। ऑथेंटिक सर्विस प्रोवाइडर्स हमेशा हमें एक सेफ और हैजल फ्री डील देते हैं। हालांकि सुचित्रा के मामले में विपरीत, जहां थोड़ी देरी से सावधानी बरतने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। आइए सुनते हैं कि कैसे इस तरह की गलती ना करें। हम एक ऐसे समय में रहते हैं जहां हमारी ज्यादातर रोजमर्रा की जरूरतें ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से पूरी की जाती हैं। रेगुलर फूड डिलीवरी से लेकर ट्रैवल और ऑनलाइन कैश ट्रांजैक्शंस तक। मुंबई की एक मीडिया प्रोफेशनल सुचित्रा वर्मा को भी एक पार्सल विदेश भेजने के लिए कुरियर सर्विसेज में मदद की जरूरत थी और उन्हें धोखा दिया गया। कुछ महीने पहले मैं विदेश में रहने वाली अपने परिवार के लिए कुछ सामान कुरियर करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने एरिया में कुरियर सर्विस प्रोवाइडर्स को ढूंढा। मैंने एक लीडिंग लॉजिस्टिक्स कंपनी के लोकल ऑफिस को फोन लगाया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। अगले दिन मुझे उसी नंबर पर कॉल आया। सर्विस प्रोवाइडर का सपोज़ड एम्प्लॉय दूसरे छोर पर बात कर रहा था। उसने मेरे रिक्वायरमेंट्स के बारे में इंक्वायरी की। मैंने उसने इंटरनेशनल पैकेज को कुरियर करने के चार्जेस के बारे में कुछ सवाल पूछे और उनके पास वो सारे सवालों के जवाब थे। चालाकी से कन्विंस होने के बाद सुचित्रा ने असावधानी बरती और सपोज़ड सर्विस प्रोवाइडर के इंस्ट्रक्शंस के साथ आगे बढ़ी। फिर वो आदमी ने एक लिंक भेजा और मुझे ऑर्डर कंफर्म करने के लिए 10 रुपए पे करने के लिए कहा, ताकि मैं बाद में कैंसिल ना करूं। ये थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन जब मैंने लिंक पर क्लिक किया, उसने वो फॉर्म खुला जो कुरियर सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट के एग्जैक्ट क्लोन पर रिडायरेक्ट हुआ। पर ये बात की एहसास मुझे बहुत बाद में हुआ। पेज में मुझे ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए अपना बैंक डिटेल्स एंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट किया और मैंने ऐसा ही किया, लेकिन मैंने जो देखा वो ये अजीब बात थी कि पिन नंबर छिपाया नहीं जा रहा था। मुझे थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन मैंने फिर भी आगे बढ़ा और पेमेंट करा। 10 रुपए का पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया। इस प्रोसेस के 2 मिनट के अंदर सुचित्रा को अपने बैंक से 10,000 रुपए के 6 विड्रॉल्स के मैसेजेस मिले। उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है और उन्होंने तुरंत अपने अकाउंट में बाकी पैसे सेफली ट्रांसफर कर दिए, अपने बैंक को इन्फॉर्म किया और पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। मैं ये बातें आपसे इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप में से कोई भी अपना पैसा ना खोए। कृपया किसी भी अनजान आदमी द्वारा भेजे गए कोई अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करें और सावधान रहे। इस नोट पर हम एक ब्रेक पे चलते हैं। जब हम वापस आएंगे तो कुछ और ऑनलाइन स्कैम्स और फाइनेंशियल फ्रॉड्स के शिकार लोगों के अनुभवों को जानेंगे। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए, न्यूज 18 नेटवर्क की साझेदारी में। सदियों से और मोटरां दे विच सरकार नु भी इस गल नु लेके भी जेड़े माहर कह रहे ने कि जो तो बिजली मुफ्त दी जाती है तो कई थाई वाधू पानी जेड़ा है वो बेवजह जेड़ा वो चलता रहता है। इस वजह करके आने वाले दिनों दे विच खेतीबाड़ी विभाग दे नाल भी मीटिंग जेड़ी है वो की जाएगी। इस बाबत चर्चा जेड़ी वो की जाएगी कि किवें हेठले पानी होर पानी हेठला ना जा सके, इस बाबत जेड़ा है उसनु बचाया जा सके। ठीक है, शुक्रिया पंकज, धन्यवाद इस जानकारी दे लई। तां सरकार दे एक वड्डे फैसले दा असीं जिक्र कर रहे हैं, जिवें पंकज दस रहे सी कि मीटर सब दे ही लगणगे क्योंकि उस दे नाल उसकी क्वांटिटी का पता चल जाएगा कि पानी किन्ना वरत्या गया है। हालांकि घरेलू नूं कोई बिल नहीं देना पएगा या खेतीबाड़ी दे लई कोई बिल नहीं देना पएगा, पर मीटर रीडिंग जरूर आएगी और बाकी थावां ते भी जिथे मीटर लगणगे किते कोई इंडस्ट्री लई वरत्या जा रहा या किसी होर चीज़ लई वरत्या जा रहा है तो उत्थे फिर 300 क्यूबिक तक मीटर तक जिहड़ी है वह छूट रहेगी और उस तो बाद फिर जिन्ना जिन्ना वरत्या जाना है उस हिसाब नाल पैसे देने पैणगे जो सरकार ने अपने दिशा निर्देशों के विच तय किए ने।
ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਖਬਰ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਹਿਸਾਰ ਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਟਲ ਚ ਆ ਧਮਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਧੂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਮਹਿਲਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵੁਮੈਨ ਸੈੱਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਹੇਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 44 ਤੇ ਪਿਗਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਮੰਗਦਾ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਟੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਟੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੋਲ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 14 ਪੇ ਗਾੜੀ ਆਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਥਾ ਗਾੜੀ ਦਾ ਤੋ ਉਸ ਜੈਸੇ ਉਹ ਬੂਥ ਪੇ ਆਈ ਤੋ ਟੋਲ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਉਨਸੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀ ਭਈ ਆਪ ਟੋਲ ਦੇਜੀਏ ਗੂਗਲ ਕੇ ਸਾਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਮੇਂ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ आप देख रहे हैं सेफर विद गूगल इन पार्टनरशिप विद न्यूज 18 नेटवर्क हमारी अगली कहानी बताती है कि बेसिक सर्विसेज का इस्तेमाल करते समय सुरक्षित कैसे रहें। इस मामले में ऑनलाइन मूवर्स एंड पैकर्स सर्विस की तलाश करते हुए शिराज अहमद के साथ धोखाधड़ी की गई थी ये वाक्या ओटीपी ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होने पर भी किसी भी रेंडम लिंक्स पर क्लिक नहीं करने के मुख्य सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को दर्शाता है आइए आपको बताते हैं रिलोकेशन और शिफ्टिंग पहले काफी मुश्किल काम था लेकिन सर्विस सेक्टर के बढ़ते हुए स्कोप ने इस बोझ को काफी कम कर दिया था पैकिंग और मूविंग सर्विस बुक करें और आपका काम पूरा हो गया है इस सर्विस की फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीक्वेंसी को देखते हुए इसका मिसयूज करने का एक नया ट्रेंड अब फैशन में है डॉक्टर शिराज अहमद को राजस्थान से कश्मीर रिलोकेट करना था और उन्होंने पैकिंग और मूविंग सर्विस के लिए ऑनलाइन देखा जो पहला ही नंबर आया फ़ोन नंबर तो मैंने उस पर कॉल की तो जिस बंदे ने कॉल उठाई तो उससे बात की क्या इसे लगेज मेरा शिफ्ट करना था तो उसने बोला हाँ हमारे पास फैसिलिटी है बंदा भी वहीं आएगा आपके फ्लैट के पास ही सब कुछ पैक करके आपका जो भी एड्रेस होगा डेस्टिनेशन वहाँ तक पहुँच जाएगा तो मैंने बोला मुझे क्या करना है उसके लिए बोला कुछ नहीं रजिस्ट्रेशन करे और 5 रुपये रजिस्ट्रेशन में लगते हैं तो उसके बाद ही विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर आपके पास बंदा पहुंच जाएगा ये ऑफर आसान लग रहा था और रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 5 रुपए खर्च करना जिसमें ओटीपी शेयर नहीं करना था अहमद को कोई परेशानी नहीं थी यही वो जगह है जहां उन्होंने बदमाश के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की गलती की ओटीपी कुछ नहीं आया कि मैंने ओटीपी किसी से शेयर किया तो मैं देख दे एक बार मैंने क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई सब कुछ डिटेल्स डाल के तो उस बंदे ने फ़ोन किया मैंने बोला नहीं हो रही है तो उसने वहाँ से बोला कोई बात नहीं मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ आप इस लिंक पे क्लिक करके हो जाएगा तो उसने लिंक भेजी मैंने लिंक पे क्लिक किया फिर भी नहीं हुआ तो फिर उसने दोबारा लिंक भेज के बोला एक बार और कर लो तो मैंने दूसरी बार भी किया रजिस्ट्रेशन ने कभी काम नहीं किया लेकिन लिंक पर क्लिक करने के बाद अहमद के खाते से तुरंत 40,000 और 30,000 का अमाउंट डेबिट हो गया हालांकि अहमद को एहसास हुआ कि सर्विस ऑथेंटिक नहीं थी और उन्होंने अपने बैंक और साइबर पुलिस से कांटेक्ट किया उनके लिए खुशी की बात ये थी कि उनके ट्रांजैक्शन को तुरंत फ्रीज कर दिया गया था और साइबर सेल कुछ दिनों के अंदर उनकी लॉस्ट अमाउंट को रिकवर करने में कामयाब हुए और विद इन 15 डेज मुझे वैसे ही 2 SMS में वो ट्रांसफर पैसे वो वापस आ गए मतलब देन फॉलोड बाय साइबर पुलिस उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन किया उस टाइम अदरवाइज मुझे इस चीज़ का कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था कि मुझे कैसे अब ये चीज़ें हैंडल करनी जो मुझे उसके बाद से एक पर्सनल
कि ऑनलाइन अकाउंट वही एक्टिवेट रखें जिसमें पैसे कम हो। मेरी एक रिक्वेस्ट है हर एक से कि जस्ट स्टे अलर्ट एंड माइंडफुल। हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज इन दिनों मोबाइल और ऑनलाइन सर्विसेज पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है और हम कभी कभी अपने ही द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन से बहुत अनजान होते हैं। ऑनलाइन स्कैमर्स भी सावधानी की इस मामूली कमी का फायदा उठाते हैं और हमें आसानी से अपने घोटाले में फंसाने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स के तहत खुद मुखौटा ओढ़ लेते हैं। उन्होंने बातचीत की इस कला में लगभग महारत हासिल कर ली है जो शायद ही हमें संदेह करने की गुंजाइश देती है। पूजा एक गृहिणी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जब वो खरीदारी करना चाहती थी तो ऐसी ही एक बातचीत से वो पूरी तरीके से कन्विंस हो गई थी। आइए देखते हैं। पूजा बेंगलोर की एक होममेकर हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ है और अपनी कई जरूरतों के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस और ऑनलाइन सर्विसेज का यूज करती हैं। इस दिवाली जब वे दोस्तों के लिए मिठाई ऑर्डर करना चाहती थी तो वो एक अनफॉर्चुनेट ट्रैप में फंस गई। दिवाली के लिए मैं अपने कुछ दोस्तों के लिए मिठाइयाँ खरीदना चाहती थी तो मैंने एक नजदीकी मिठाइयों का दुकान के नंबर को ढूंढा और मिलने पर उनको कॉल किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये वही दुकान है, मिठाइयों का दुकान, और उन्होंने कंफर्म किया। तो मैंने उनको बताया कि दिवाली के लिए मुझे एक बल्क ऑर्डर प्लेस करना है। उन्होंने कहा कि वो वापस मुझे फोन करके कंफर्म करेंगे और थोड़ी ही देर बाद मुझे उनका कॉल आया और मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया। ये विश्वास दिलाया गया कि वो एक्चुअल स्वीट शॉप ओनर से बात कर रही थी। पूजा ने ऑर्डर देने के लिए अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखी। जब मैंने उनसे उस ऑर्डर के पेमेंट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अब के लिए सिर्फ 1000 रुपए का पेमेंट कीजिए और उन्होंने कहा कि वे मुझे एक पेमेंट के लिए लिंक भेजेंगे और कुछ ही देर बाद मुझे लिंक मिला और मैंने लिंक पर क्लिक किया और 1000 रुपए का पेमेंट कर दिया। बल्क ऑर्डर के लिए सिर्फ 1000 रुपए का टोकन अमाउंट जानकर पूजा को खुशी के साथ हैरानी भी हुई और बिना किसी डाउट के पेमेंट करने के लिए लिंक का इस्तेमाल किया। अमाउंट पे करने के बाद मैंने उन्हें वापस कॉल किया लेकिन किसी ने रिस्पांस नहीं दिया। मैंने काफी बार कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं था और कुछ ही देर बाद मुझे बैंक से मैसेज मिलता है कि अपने अकाउंट से 80000 रुपए कट गए और मैंने फिर से मिठाई और दुकान को कॉल लगाया पर कोई जवाब नहीं था और तब जाके मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरे साथ कोई स्कैम हुआ है। वो अभी भी बहुत कन्विंस्ड नहीं थी कि ये सब इतनी जल्दी हो गया। पूजा ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई जो इवेंचुअली पार्शियल अमाउंट रिकवर करने में कामयाब हुए। मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं ये घोटाले की शिकार बन सकती थी क्योंकि जिन लोगों ने मुझसे बात किया वो इतने कन्विंसिंग थे कि मुझे लगा कि ये वही लोग हैं जहाँ पे मैं आमतौर पर मिठाइयाँ खरीदती हूँ। मैं एक होममेकर हूँ, मैं बहुत सारी ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह करती हूँ और आजकल ये बहुत हेल्पफुल है। हर चीज खरीदने के लिए मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसी समय सावधान रहे कि आप क्या क्लिक कर रहे हैं और आप क्या ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। कृपया अपना बैंक डिटेल्स या ओटीपी किसी को ना दे, यहाँ तक बैंक के लोगों को भी ना दे। कृपया जागरूक रहे। इस एपिसोड के साथ हमने पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव सेफर विद गूगल इन पार्टनरशिप विद न्यूज 18 नेटवर्क के 3 भाग की सीरीज का समापन किया है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गूगल के साथ सुरक्षित रहें, न्यूज 18 नेटवर्क की साझेदारी में। बोल देने के बजाय वहाँ पे ना के हाथापाई थी और हथियार उनके हाथ में था। 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਮਾਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਵਰ ਟੋਲ ਪਰ ਬਤੌਰ ਮੈਨੇਜਰ ਤਨਾਤ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਅੰਕਿਤ ਰੇਡਾਉ ਉਸਕੇ 4 ਸਾਥੀਓ ਨੇ ਮਿਲਕਰ ਟੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀ ਹੈ, ਲੁੱਟਪਾਟ ਕੀ ਹੈ। ਵਹ ਹਥਿਆਰ ਪਿਸਟਲ ਕੋ ਹਵਾ ਮੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 33 ਜਾਰੀ ਹੈ। 5 ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ ਸਨ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।
ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ। ਫਗਵਾੜਾ ਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਬਟਾਲਾ ਹਾਦਸੇ ਚ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਜੋੜਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਾਰ ਚ ਸਵਾਰ ਦੋ ਹੋਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਚਾਰ ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਜੋੜਾ ਟਰੱਕ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੋਵੇਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿਰਾਜ 2000 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 1978, 1981, 1985 ਤੇ 1991। ਸੋ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 1985। ਮਿਰਾਜ 2000 ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1985 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਮਾਨ ਨੇ 1999 'ਚ ਹੋਏ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਜਰ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਹੋਰ ਮਿਰਾਜ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ 51 ਮਿਰਾਜ 2000 ਫਾਈਟਰ ਜੈੱਟ ਨੇ। ਸਾਲ 2019 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਿੱਕਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ। ਸਟਿੱਕਰ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, MLA ਵਾਲੇ ਸਟਿੱਕਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਟਿੱਕਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। VVIP ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। India's largest news network. ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਕੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਵੀਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗੌਰਵ ਤਲਵਾਰ ਪੇ ਆਲ ਫੀ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣਾ। ਸਲਾਬਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗ ਜਾਰੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਬਾਗਪਤ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਪੁਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਮ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਸਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਬੱਸ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ASI ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਈ ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ। ਨਵਦਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ 48 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਬੂ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ 4 ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਸਣੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਡੇਟਿੰਗ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਠੱਗੀ। ਹਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਸਹਿਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਤੇ 4 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਹੋਏ ਬਰਾਮਦ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ। ਮੂਸੇੜਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ। ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਬੋਲੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਰਕਰਾਰ। ਬੋਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਈ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਾਂਗੀ ਪੈਰ।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा संपन्न। लाल चौंक से लहराया तिरंगा। 4080 किलोमीटर की यात्रा की पूरी कर श्रीनगर के रैली जरिए राहुल का शक्ति प्रदर्शन। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे किसानों के प्रदर्शन की। इस वेले की सब तो वड्डी अपडेट है कि रेलवे सेवा मुड़ शुरू होने लगी है। किसानों ने रेलवे ट्रैक खाली करने शुरू कर दिए ने। 4 बजे तक रेलों का चक्का जाम किया गया जो कि 1 बजे प्रदर्शन शुरू होया सीगा ते 4 बजे तक का समा सीगा। 12 जिलों के 14 थावां ते चक्का जाम किया गया। सफर से निकले लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दरअसल यह प्रदर्शन की कॉल दी गई थी। किसानों दी कई